गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान श्री रामकृष्ण देव श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। आज प्रातः हम लोगों ने मंगल आरती के बाद वैदिक मंत्रोच्चार और भजन का कार्यक्रम का आनंद लिया, फिर सुबह 6 बजे से विशेष पूजा हुई, 10:30 बजे हवन हुआ, फिर भोग आरती, सब लोगों ने प्रसाद लिया, अभी संध्या आरती हुई और हम लोग सभी अब एकत्रित हुए हैं गुरु महिमा के बारे में कुछ बातें चर्चा करने के लिए। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। वैसे कई लोगों ने कल गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया, अधिकांश संस्थाओं ने, अधिकांश आश्रमों में, कई लोगों के मन में आश्चर्य हुआ और कई लोग का आए भी थे कल, पर बाद में पता पड़ा कि गुरु पूर्णिमा हम लोग सोमवार को मना रहे हैं। वैसे हमने निमंत्रण पत्र तो सब जगह बहुत पहले भेजे थे, परंतु कुछ लोग निमंत्रण पत्र को ठीक से पढ़ते भी नहीं हैं, तो वे गलती से कल आ गए, फिर उनको थोड़ा प्रसाद मिला, परंतु इतना अच्छा था कि वो आज है तो वो लोग आज आ पाए कुछ लोग, नहीं तो यदि पहले हो जाता तो और अधिक ये होता। ये ऐसा इसलिए होता है कभी कभी कि रामकृष्ण मठ मिशन की परंपरा है कि हम लोग जो तिथि का सेलिब्रेशन करते हैं वह है, तिथि को जब उत्सव मनाते हैं तो वह विशुद्ध सिद्धांत पंचांग के अनुसार सब करते हैं। तो गुप्ता प्रेस का भी कैलेंडर है, पंचांग है, वह पारंपरिक कैलेंडर है, परंतु विशुद्ध सिद्धांत है, जैसा कि उसका नाम है विशुद्ध। यह जो अभी मॉडर्न साइंस के अनुसार कई प्रकार के मूवमेंट्स हो गई स्टार्स में, तारों में, ग्रहों में, इन सभी जो मूवमेंट्स है उनको ख्याल में रखते हुए विशुद्ध पंचांग बनाया गया है, पर अधिकांश लोग अभी भी पारंपरिक पंचांग का ही उपयोग करते हैं। पर रामकृष्ण मठ मिशन की परंपरा है कि हम ये विशुद्ध पंचांग के अनुसार सब तिथियां आयोजित करते हैं, और इसीलिए विशुद्ध सिद्धांत के अनुसार आज गुरु पूर्णिमा है और इसलिए आज हम मना रहे हैं। वैसे ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव सभी जगह, कई कई जगह तो बहुत बड़े पैमाने पर उसका आयोजन होता है, कई संस्थाओं में पारंपरिक रूप से बड़े रूप में आयोजित किया जाता है कि वैसे परंपरा के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास, इनकी वह जन्मतिथि है, पूर्णिमा के दिन उनका आविर्भाव हुआ था। और वो वेद व्यास कौन है, हम तो बहुत प्रकार के वेद व्यास की हम लोग गाथा जानते हैं, तो वैशंपायन व्यास, वेद व्यास, परंतु इसे हम लोग इसी प्रकार से समझें कि जो वेद व्यास जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को एक ठोस स्वरूप प्रदान किया, वह वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की 1,00,000 श्लोकों वाली, वह वेद व्यास जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इस प्रकार से वेदों का विभाजन किया, जो ज्ञान पहले से था उस ज्ञान को उन्होंने व्यवस्थित रूप से समाज के सामने रखा, पुराणों की भी रचना की, श्रीमद् भागवत की भी रचना की, इस प्रकार से कई पुराणों में रचना के वे भाग बने। तो वे जो वेद व्यास हैं ये मानो हमारे आदि गुरु हैं, और इसीलिए
वेद व्यास जी के जन्मदिन को, पूर्णिमा के दिन को वेद व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, और इसीलिए यह व्यास पूर्णिमा इस प्रकार की जो सावन ये जो महीने में आती है पूर्णिमा, आज की पूर्णिमा, इसको वे व्यास पूर्णिमा कहते हैं। और गुरु पूर्णिमा का आयोजन इसलिए करते हैं, और सब लोग अपने अपने गुरु का भी जन्मदिन आज ही मना लेते हैं, यह समझ करके कि जो गुरु के गुरु आदि गुरु वेद व्यास जी का जन्म आज हुआ था। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन की परंपरा गुरु पूर्णिमा का आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता था। 25-30 साल पहले रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष श्रीमद स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज ने देखा कि किसी एक सेंटर में, रामकृष्ण मठ मिशन के सेंटर में, रामकृष्ण देव के जो 16 सन्यासी शिष्य हैं, हमारी परंपरा है कि रामकृष्ण देव माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद की ही पूजा होती है और उनकी जन्मतिथि हम लोग आयोजित करते हैं, और रामकृष्ण देव के जो पार्षद थे 16 सन्यासी शिष्य, उनकी जन्मतिथि को भी छोटा छोटा आयोजन होता है। इसके अलावा किसी और सन्यासी की और किसी की के रामकृष्ण मठ में किसी सन्यासी का जन्मतिथि मनाना या उस प्रकार से उनका फोटो रखना, इस प्रकार की परंपरा नहीं है। पर किसी एक सेंटर में देखा गया कि रामकृष्ण मठ मिशन के 16 सन्यासी शिष्यों के अलावा भी कुछ लोगों ने मानो मंत्र दीक्षा ली थी उनके बाद के किसी गुरु प्रेसिडेंट के पास, तो उन्होंने अपने गुरु के जन्मदिन को वहीं आश्रम में मनाया, उस प्रकार का फोटो रखा और मनाया। तो कुछ और भक्त थे, उनके गुरु का फोटो उन्होंने रखा अपने गुरु के जन्मदिन, एक प्रकार की कॉम्पिटिशन मानो लग गई कि मेरे गुरु बड़े, मेरे गुरु के समय तो हम लोगों ने इतने बड़े लोगों को, इतने लोगों को प्रसाद खिलाया। यह मानो निपिंग इन द बड, पूज्य वीरेश्वर महाराज ने अभी तो प्रारंभ मात्र हुआ था, तो उनकी वह दूरदृष्टि थी कि बाद में यह गुरु, यह सब लोग जिस प्रकार से अन्य संप्रदायों में यह फूट पड़ जाती है और फिर डिपार्टमेंट हो जाते हैं और इस प्रकार से उसके भीतर में संप्रदाय बन जाते हैं, ऐसा कहीं ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा यह नियम बनाया गया कोई भी अपने गुरु के जन्म तिथि को किसी आश्रम में सेलिब्रेट नहीं करेगा। क्यों? हमारे जो गुरु हैं वे हैं रामकृष्ण परमहंस। खंडन भव बंधन जो प्रार्थना स्वामी विवेकानंद जिसकी रचना की, जो प्रतिदिन संध्या हम लोग गाते हैं, वह संपद तव श्रीपद भवघोष पद वारी यथा है प्रेमार्पण समदर्शन जगत जन दुख जाए, उसके बाद जय श्री गुरु महाराज जी की जय। यह जय श्री गुरु महाराज जी की जय माने भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय। क्यों? श्री रामकृष्ण कहते हैं गुरु कौन हो सकते हैं, केवल सच्चिदानंद ही गुरु हो सकते हैं, और कोई गुरु नहीं हो सकता, ईश्वरी गुरु हो सकते हैं, उसके सिवा कोई गुरु नहीं हो सकता। पर यह जो ईश्वर हम लोगों के पकड़ में के बाहर है, इसलिए ईश्वर स्वयं अवतार होकर के आते हैं, मनुष्य रूप धारण करते हैं, पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और वो ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जो राम थे, जो कृष्ण थे, हमारे युग में आए राम कृष्ण के रूप में और उन्होंने वह ज्ञान प्रदान किया अपने शिष्यों को, उनके शिष्यों को देते रहते हैं। इस प्रकार से परंपरा के माध्यम से यह उत्तराधिकार के रूप में हमको यह ज्ञान मिल रहा है। तो सच्चिदानंदी गुरु हो सकते हैं, इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने यह जो सच्चिदानंद गुरु कहा था, इसी की याद को खाल में रखते हुए कि स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए नाम विवेकानंद मिशन नहीं रखा, रामकृष्ण मिशन रखा अपने गुरु के नाम पर। उन्होंने अपने आप को पीछे रखा और उन्होंने यही कहा कि हम लोग अपने नाम यश के पीछे नहीं जाएंगे, जिनसे हमको प्रेरणा मिली है, जिनके जीवन और उपदेश से हम लोग प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के इस आध्यात्मिक जीवन में आए हैं, जिनसे हमको यह ज्ञान मिला है उन्हीं को हम लोग सामने रखेंगे। और वह भी उन्होंने कहा कि उनके सिद्धांतों को हम सामने रखेंगे, उनके उपदेशों का पालन करना ये ज्यादा महत्व का है। उनकी मूर्ति पूजा का उपदेश श्री रामकृष्ण देव ने नहीं किया, हम अपनी श्रद्धा का निवेदन करने के लिए, हमारे लिए ध्यान अधिक सरल हो सके इसलिए उसकी मूर्ति या उसका फोटो रखते हैं, ये अलग बात है। कभी श्री रामकृष्ण देव ने कहा नहीं, कहा कि हमारी पूजा करो, या स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमको पूजा करो, पर हम लोगों के भीतर में जो श्रद्धा भक्ति है उसको बताने के लिए हमने ये कहा। पर यदि कोई श्री रामकृष्ण की पूजा नहीं करता तो हम लोग कभी ऐसा नहीं करते, क्यों नहीं पूजा की, क्यों फोटो पर आप, क्यों आपने प्रणाम नहीं किया, नहीं। श्री रामकृष्ण देव ने जो उपदेश दिया उसको यदि कोई ग्रहण करता है यह महत्व का है, और कोई यदि उनको प्रणाम करता है पर यदि उसके उपदेश को ग्रहण नहीं करता यह ठीक नहीं है। पर यदि कोई उनको प्रणाम नहीं भी करता है, उनके फोटो को भी प्रणाम नहीं करता है, रामकृष्ण देव का नाम भी नहीं लेता है, रामकृष्ण देव के प्रति कई श्रद्धा नहीं रखता, कोई बात नहीं,
रामकृष्ण देव ने जो कहा उसका पालन करता है स्वामी विवेकानंद का, बस वही ठीक रामकृष्ण का शिष्य है, वही ठीक रामकृष्ण का भक्त है। रामकृष्ण देव ने जो जो बातें कही थी, सर्वधर्म समन्वय की, ईश्वर प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है, शिव ज्ञान से जीव सेवा, इसको जिन्होंने अपना लिया वे ही श्री रामकृष्ण के ठीक शिष्य है। तो पूजनीय वीरेश्वरानंद जी महाराज ने तब यह ऐलान किया किसी आश्रम में यह इस प्रकार से अपने अपने गुरु की जन्मतिथि नहीं मनाई जाएगी, और उसको पॉजिटिव स्वरूप धारण करने के लिए उन्होंने क्या किया, सभी लोग अपने अपने गुरु की जन्मतिथि मना लेंगे। कैसे? गुरु पूर्णिमा के दिन। गुरु पूर्णिमा के दिन आप आइए आश्रम में, अपने अपने गुरु का स्मरण कीजिए, और जो गुरु के गुरु हमारे परम गुरु हैं श्री रामकृष्ण देव, उनकी पूजा होगी और अपने अपने गुरु का स्मरण कीजिए। पर सचमुच में हमारे सबके गुरु हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण देव की पूजा हुई, श्री रामकृष्ण रूपी होमाग्नि में हम लोगों ने बिलुपत्र दिए। अपने अपने जो मनुष्य गुरु हैं जिनके माध्यम से हमको श्री रामकृष्ण की कृपा मिली, मंत्र मिला, उसको हम स्मरण करते हैं, उनके प्रति भी हम श्रद्धा प्रकट करते हैं। क्यों? यदि वह माध्यम नहीं रहता तो हमें रामकृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती, तो अवश्य हम अपना अपनी श्रद्धा को निवेदन करेंगे, परंतु निवेदन करेंगे किस दिन? गुरु पूर्णिमा के दिन। और सभी लोग एक ही दिन करेंगे, और सभी लोग एक साथ आएंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो मानो एक यूनिटी होगी। जितने श्री रामकृष्ण के भक्त हैं, का चाहे किसी भी प्रेसिडेंट महाराज से दीक्षा ली हो, वाइस प्रेसिडेंट महाराज से दीक्षा ली हो, पूरा 8वें प्रेसिडेंट महाराज से दीक्षा ली हो, 10वें प्रेसिडेंट महाराज से दीक्षा ली हो, 13वें प्रेसिडेंट महाराज से, किसी से भी दीक्षा ली हो, सब रामकृष्ण देव के ही शिष्य हैं, श्री रामकृष्ण के ही चेले हैं, और हम लोग सब एक साथ मिलकर के पूजा करेंगे, एक साथ मिलकर के भजन करेंगे, एक साथ मिलकर के भोजन करेंगे, तो एक इंटीग्रिटी होगी। इसी की इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए गुरु पूर्णिमा के उत्सव को बहुत बड़े पैमाने पर मनाने का प्रयत्न ये प्रारंभ हुआ। तो पिछले 25-30 साल से गुरु पूर्णिमा का उत्सव रामकृष्ण मठ मिशन के सभी सेंटर में बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। यहाँ तो हम लोग का छोटा सा आश्रम है, जगह भी नहीं है, पूरा भर जाता है, फिर भी सब लोग आते हैं, प्रसाद लेते हैं, करीब 500-600 लोग प्रसाद लेते हैं, ऊपर में भी बैठने की जगह नहीं रहती, सभी पूरा फुल ही रहता है, हाउसफुल। धीरे धीरे अब जो मठ होगा, कल्लाली में जमीन ली गई है, वहां पर अभी पेड़ वृक्षारोपण होगा, फिर वहां मंदिर बनेगा, फिर वहां बहुत बड़ी जगह रहेगी, तब बड़ा पैमाने पर होगा, कुछ समय लगेगा। अभी तो 2 साल का बच्चा है हमारा जो आश्रम है, 18 अप्रैल 2005 को ही आश्रम शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। परंतु बेलूर मठ हमारे हेडक्वार्टर्स, वहाँ तो बहुत बड़े पैमाने पर, हम कल्पना नहीं कर सकते, जो लोग बेलूर मठ नहीं गए कल्पना नहीं कर सकते गुरु पूर्णिमा का उत्सव क्या होता है। ये हमारा ये उत्सव देख करके कुछ समझ में नहीं आएगा। सुबह 4 बजे से लंबी लाइन लगती है गेट के पास अंदर आने के लिए, सुबह 4 बजे से लंबी कतार लाइन क्यू, और फिर वो आकर के मंगल आरती में बैठते हैं। वहां तो उस समय मंदिर में बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो मंदिर के अहाते के बाहर सब लोग खड़े रहते हैं। फिर जहां मंगल आरती हो गई, स्तोत्र पाठ हुआ, रामकृष्ण के मंदिर में अलग स्तोत्र पाठ हो रहा है, माँ शारदा के मंदिर में अलग हो रहा है, स्वामी विवेकानंद में सभी जगहों को बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया, बहुत बढ़िया से फूल पुष्प हार सब सजाए गए सुबह से, और फिर उसके बाद में सब और भी लोग आना शुरू करते हैं। उसके बाद में प्रणाम, प्रेसिडेंट महाराज जो हैं, परम पूज्य प्रेसिडेंट महाराज, उनको प्रणाम करने के लंबी क्यू लगती है, बहुत लंबी क्यू, 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ पर तो वाइस प्रेसिडेंट में आते हैं, आप लोग 5 मिनट में प्रणाम करके चले जाते हैं, परंतु वहाँ पर ऐसा नहीं है, प्रतिदिन ही उनको तो आधा घंटा तो खड़ा रहना ही पड़ता है, 1 घंटा, और गुरु पूर्णिमा के दिन तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। छाते लेकर के आते हैं, बरसात आई धूप आई सब छाते ले लेकर खड़े लाइन से 3-4-5 घंटे, तब जा करके वह उनको प्रेसिडेंट महाराज का प्रणाम होता है। मंदिरों में प्रणाम करने के लिए क्यूब, फिर प्रेसिडेंट महाराज को प्रणाम करने के लिए क्यूब, उसके बाद में मठ ऑफिस है, कोई डोनेशन देना चाहे उसके लिए भी लंबी कतार है, बहुत लंबी कतार, जिसको रिसीट चाहिए, रिसीट नहीं चाहिए तो फिर वो तो बहुत बड़े बड़े बॉक्स हैं, उस दान पात्र में आप पैसा डाल दीजिए, पर यदि आपको रसीद चाहिए उसकी भी लंबी क्यू है, दान देकर के रसीद प्राप्त करना है उसकी भी लंबी क्यू, और फिर सबसे लंबी क्यू तो ऑफकोर्स खिचड़ी प्रसाद पाने की क्यू, बहुत बड़ी क्यू, लाखों लोग खिचड़ी का प्रसाद आज पाते हैं, वो सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है लाइन, शाम को 3 बजे तक चलता है प्रसाद पाने का। ये बहुत बड़ा एक मिट्टी के भाड़ में या इसमें पात्र में खिचड़ी प्रसाद दिया जाता है, एक मनुष्य के लिए काफी है, और यदि वृद्ध रहे तो उसको दूसरे किसी को भी थोड़ा देना पड़ेगा,
पूरा बहुत बड़ा पात्र रहता है, उसमें खिचड़ी प्रसाद, बंगाली खिचड़ी प्रसाद रामकृष्ण मिशन वैसे भी प्रसिद्ध है, तो उसके लिए लाइन में खड़े रहते बड़े बड़े ऑफिसर, क्योंकि वहां तो सब कोई प्रिविलेज तो है नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग लाइन में खड़े रहते दो दो तीन तीन घंटा, खिचड़ी प्रसाद लेना पड़ेगा, प्रसाद का अपना महत्व है, तो यह प्रसाद लेने के लिए लंबी क्यू इस प्रकार से। और फिर शाम को तो यह संध्या आरती होगी, सभी सभी जगह भजन कीर्तन सब होगा, इस प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पर बेलूमठ में आयोजित किए जाते हैं, और भी कई आश्रमों में जो जो बड़े बड़े हमारे आश्रम है वह बड़े पैमाने पर आयोजित किया, हम लोगों ने भी इस प्रकार से आज आयोजन किया और इसी आयोजन के रूप में हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज का जो दिन है, व्यास देव जो हमारे सनातन धर्म के इतने बड़े कर्णधार थे, परम गुरु जिनको माना जाता है, उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करने का दिन है, हमारे अपने अपने गुरु के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करने का दिन है, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिनके कारण हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं, चाहे किसी ने मंत्र दीक्षा नहीं भी हो, तो सबके प्रत्येक के जीवन में एक एक गुरु रहते हैं, एक गुरु सदृश कोई व्यक्ति रहता है जिनके पास से प्रेरणा मिलती है, जिनके पास से प्रेरणा प्राप्त करके हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो वे जो गुरु सदृश हैं जिनकी प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदन करना, अपना ऋण शोधन करना, उन गुरु का ऋण तो कभी शोधन हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, चाहे करोड़ों बार जन्म लेकर के हम अपने सिर को भी यदि बलिदान कर दें अपने गुरु के चरण में, तो उन्होंने जो कृपा की हम पर, आध्यात्मिक ज्ञान जो दिया, उसका शोधन कभी नहीं हो सकता। बाकी आप लोगों ने कहीं पर 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है, उसको आप पटा सकते हैं, आज नहीं तो कल, पैसा कमा करके 1 करोड़ रुपया पटाना यह सरल है, पर गुरु ने जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया, उन्होंने जो करोड़ों करोड़ जन्मों तक तपस्या करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त किया, वह ज्ञान शिष्य को दिया बिना किसी स्वार्थ बुद्धि के, बिना किसी रिटर्न की अपेक्षा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी अपेक्षा से, यह जो निस्वार्थ रूप से जो शिष्य को दिया, बस उनका एकमात्र स्वार्थ यही है जगत का कल्याण हो, सभी लोग आध्यात्मिक से आगे बढ़े, सभी के जीवन में सुख और शांति आए और सभी उस परमात्मा की तरफ पहुंच सकें, प्रत्येक गुरु चाहता है शिष्य आगे बढ़े आगे बढ़े, बस एकमात्र उसकी अपेक्षा यही है कि जो ज्ञान उसको दिया गया उसका पूरा पूरा उपयोग करे, तब उनको संतोष मिलता है, पर वो अपेक्षा कुछ नहीं है, केवल यह मानो उनके भीतर की इच्छा मात्र है, अपेक्षा कोई भी नहीं, किसी प्रकार की अपेक्षा। तो ऐसे जो गुरु हैं सदगुरु, जिनकी हम पर इतनी बड़ी कृपा, जिनका हम पर इतना बड़ा ऋण, ये केवल ऋण तो शोधन नहीं कर सकते, पर अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं, और अपने मन में उस श्रद्धा को प्रकट करने का यह दिन है, बहुत बड़ा दिन है गुरु पूर्णिमा। और इसीलिए हमने जो मंत्र अभी पहले कहे थे, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु के बारे में कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, उनको इस प्रकार से इतना उच्च आसन प्रदान किया कि गुरु वही ब्रह्मा है वही विष्णु है वही महेश्वर है, सृष्टि स्थिति पालन करने वाले, सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले महेश्वर, ये तीनों ये गुरु हैं। ये गुरु क्या करते हैं, क्यों ये ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ब्रह्मा सृष्टि का जन्म, सृष्टि को जन्म देते हैं, गुरु क्या करते हैं, हमारे भीतर आध्यात्मिक ज्ञान को जन्म देते हैं, तो जन्मदाता हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, फिर नर्चरिंग करते हैं, जब जब शिष्य गलत रास्ते पर जाए उसका मार्गदर्शन करते हैं, गाइडेंस करते हैं, जब जब वो मुश्किली में आ जाता है शिष्य तब, और यदि जब जब भी उसके कन्फ्यूजन आ जाता है, जब जब उसके कुछ प्रकार का असमंजस, उसके आध्यात्मिक कुछ उसके भीतर में संशय होते हैं, तो गुरु ये सब संशय को काट डालते हैं, गुरु वो नर्चरिंग करते हैं शिष्य का, इसलिए वो विष्णु भी हैं। और सबसे बड़ा काम करते हैं गुरु, हमारे भीतर के अज्ञान का नाश कर डालते हैं, महेश्वर के समान विनाश कर डालते हैं, इसीलिए महेश्वर हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, और साक्षात परब्रह्म है क्यों, जैसा श्री रामकृष्ण का सच्चिदानंद ही गुरु है। तो यह जो गुरु शक्ति है उसको केंद्र करके, कई लोग कहते हैं हम तो ये सब क्या बताया, एक साधारण व्यक्ति एक मनुष्य दो पैर पे चलता है दो हाथ से खाता है, अरे ऐसे गुरु को आप लोग सिर नवाते हैं और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलते हैं और साक्षात परब्रह्म बोल दिया, ये क्या है। तो यह याद रखना पड़ेगा, वह जो साधारण व्यक्ति है
उसके प्रति यह श्रद्धा निवेदन नहीं की जा रही है, उस साधारण व्यक्ति के भीतर में जो गुरु शक्ति कार्य कर रही है उस गुरु शक्ति को ख्याल में रखते हुए यह श्लोक कहा गया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, यह परब्रह्म परमात्मा चारों ओर विश्व में व्याप्त हैं, ऐसे परमात्मा का दर्शन जो करा देते हैं ऐसे गुरु के हम चरणों में प्रणाम करते हैं। बहुत लंबे वह स्तोत्र हैं, विश्वसार तंत्र से लिए गए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अज्ञान से जो आवृत हुए चक्षु जो शिष्य के, वे अपनी शलाका उस ज्ञान रूपी शलाका से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं शिष्य के, यह ऐसे गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। द्वंद्वातीतम गगन सद ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, ब्रह्मानंद के स्वरूप हैं वे और परम सुख देने वाले। केवलम ज्ञान मूर्तिम, ज्ञान मूर्ति है। द्वंद्वातीतम, सभी द्वंद्व से अतीत है। गगन सदृशम, स्वरूप उनका गगन सदृश। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, वह जो परम तत्व की तरफ उनका उनका लक्ष्य रहता है। एकम नित्यम विमलम अचलम, वह जो परब्रह्म परमात्मा एकम और नित्य है, विमल वह माने शुद्ध है और अचल है। सर्वधि साक्षीभूतम, साक्षी रूप में प्रत्येक आत्मा के भीतर में परमात्मा बैठे हैं। भावातीतम त्रिगुण रहितम, जो सभी भावों से अतीत और सभी त्रिगुण सभी प्रकार तीनों गुणों से अतीत, ऐसे सद्गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार की यह गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट की गई है हमारे स्तोत्र में। कई स्तोत्र इस प्रकार से हैं जिसमें गुरु के प्रति इस प्रकार से यह श्रद्धा प्रकट की गई है। और यह गुरु, यह शब्द दो अक्षर से बना है सचमुच में। गुकारो अंधकारस्तु रुकारस्तन निवर्तक अंधकार निवर्त्यातु गुरु रित्या विधीयते। गुकारो अंधकारस्तु, गुकार जो है वह अंधकार का प्रतीक है, गु माने अंधकार, और रुकार क्या है, तन निवर्तक, जो अंधकार का निवर्तन करता है वह रू है। तो अंधकार निवर्त्यातु गुरु रित्या विधीयते, गुरु कौन है, जो शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके उसे ज्ञान रूपी प्रकाश तरफ ले जाए, उसका नाम है गुरु। तो आजकल तो गुरु शब्द बहुत सस्ता बन गया है, बोलते हैं ये तो मैनेजमेंट के गुरु है, ये संगीत के गुरु, ये जूडो कराटे के गुरु, ये मैथमेटिक्स के गुरु, ये गुरु शब्द हम लोग व्यवहार करने लग गए हैं। पर गुरु शब्द बहुत गुरु है, गुरु शब्द बहुत बड़ा शब्द है, हम लोग उसको बहुत चीप बना दिए और गुरु शब्द व्यवहार करते हैं। गुरु ये साधारण जो शिक्षक है वह गुरु नहीं, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। पहले के जमाने में अलग बात थी, पहले के जमाने में जो गुरुकुल थे उसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, लौकिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा, पराविद्या अपराविद्या, द्वे विद्ये वेदितव्य पराच अपराच, मुंडकोपनिषद में कहा दो प्रकार की विद्या, पराविद्या उन्हें उस ईश्वर की विद्या, अध्यात्म विद्या, अपरा विद्या बाकी सब जितने विषय की विद्या, ये दोनों प्रकार की विद्या गुरुकुल में गुरु देते थे, तो वो अलग बात थी। अभी तो आजकल जो स्कूल में शिक्षा देते हैं उसमें अध्यात्म विद्या कुछ नहीं है, और गुरु का ही वो तो शिक्षक का ही ठिकाना नहीं है, वो ही अध्यात्म ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता, दूसरों को तो क्या बताएंगे, उनके ही चरित्र का ठिकाना नहीं। तो इसलिए यह जो गुरु शब्द आजकल बहुत सस्ता हो गया है, परंतु सचमुच में तो गुरु शब्द का अर्थ है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसा वह महान शब्द है। और इसीलिए गुरु के प्रति यह निष्ठा की बात कही गई है और सभी लोगों कहा गया कि गुरु बनाना आवश्यक है। रामकृष्ण मठ मिशन के जो हमारे प्रथम अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, उनको पूछा गया कि महाराज गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है, ऐसे बिना गुरु बनाए कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किताब पढ़ करके कितनी सारी किताबें निकल गई, और गीता पर भी अभी तो किताबें हैं, उपनिषदों में किताबें हैं, सभी का ट्रांसलेशन हो गया, यदि संस्कृत नहीं भी जानते अब प्रत्येक लैंग्वेज में उसकी किताबें हैं, और कितने सारे मंत्र वाली पुस्तकें आ गई, चंडी है वो है सब है, सब तो किताबें आ गई, किताब पढ़ लेंगे, किताब पढ़ करके हो जाएगा।
ये हम लोग मानते हैं। इसलिए पूछा ब्रह्मानंद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद कहते थे पुस्तक हजारों लाखों करोड़ों पुस्तकों पढ़ने से वह ज्ञान नहीं मिलेगा। क्यों? यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है यह पुस्तक के ज्ञान से नहीं मिल सकता। जो प्रेरणा होती है वह किसी एक जीवंत मनुष्य से दूसरे जीवंत मनुष्य तक पहुंच सकती है, एक ज्योत से दूसरी ज्योत प्रकट हो सकती है। आप ऐसे ही यदि बोलते जाइए कि हजारों पुस्तकें रख दीजिए ज्योत प्रकट नहीं होगी, एक ज्योत लाना पड़ेगा तब ज्योत प्रकट होगी। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के दिल में, जिस व्यक्ति के हृदय में वह ज्योत प्रकट हो गई है, वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन में ज्योत प्रकट करा सकता है, ज्ञान रूपी ज्योत। जिसे खुद ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। कितने लोग हैं बहुत अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, घंटों लेक्चर दे सकते हैं, उनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, सैकड़ों हजारों पुस्तकें उन्होंने पढ़ी है, पर यह अध्यात्म विद्या, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं है, ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं है, ये बाकी सब सब्जेक्ट में आपको उससे ज्ञान मिल सकता है, पर यह जो अध्यात्म विद्या है यह केवल पुस्तक के ज्ञान से नहीं हो सकता। जब तक प्रेरणा नहीं रहेगी दिल में, वो प्रेरणा दूसरे को नहीं मिलेगी, और इसीलिए एक जीवंत मनुष्य से वह जीवंत मनुष्य तक वह ज्ञान ट्रांसफर होता है, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, हम देखते हैं अपने जीवन में कुछ लोग हैं बहुत अच्छा प्रवचन दे सकते हैं, परंतु सचमुच में आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखें तो उसमें भीतर में पोलम पोल है। और स्वामी जी कहते हैं वी आर ऑल टॉकिंग हाईली अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, हम लोग सब आध्यात्मिक जीवन में बहुत अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, हम में से अधिकांश लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, पर सचमुच में आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम देखें, आचरण की दृष्टि से देखें, तो सचमुच में वी आर ऑल चिल्ड्रन इन द किंडरगार्टन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ये आध्यात्मिक जीवन की जो किंडरगार्टन है ना, किंडरगार्टन स्कूल, उसके हम लोग छोटे बच्चे हैं। और मैं तो फिर मजाक में कहता हूं उसमें भी किंडरगार्टन में आजकल केजी में लोअर केजी और हायर केजी, हम लोग सब लोअर केजी वाले हैं। कई लोगों के मन में ऐसी भूल धारणा होती है कि हम हायर केजी में आ गए, और कई लोग को तो ऐसी धारणा होती है हमारा ग्रेजुएशन हो गया, कुछ लोग तो ऐसा से हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, कुछ लोग समझते हम तो डॉक्टरेट हो गए, एक्सपर्ट हो गए, अब हमारा काम है दूसरों को ज्ञान देना। ये हम लोग सब, अधिकांश लोग भ्रम में है, हमारा अहंकार हमको बोलता है हमारा पीएचडी हो गया है, पर सचमुच में ये सब पोलम, हमारी पोल खुल जाती है जब जीवन में प्रत्याघात आते हैं, जीवन में परीक्षा की जब घड़ी आती है तब सब खुल जाती है हमारी पोल, पता लगता है कि हम लोग सचमुच में व्यवहार की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। हम लोग अभी किंडरगार्टन में, लोअर केजी में है, हायर केजी में यदि पहुंच गए तो समझ जाइए बहुत उन्नति हो गई। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ऐसे हम होने के बावजूद हम लोग ऐसा अहंकार रखते हैं, अरे हमको गुरु बनाने के क्या फायदा, गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है, अरे हम में कोई कम ज्ञान है क्या, कितने तो उपनिषद पढ़ डाले, अरे उपनिषद पीएचडी कर डाली, कई लोग तो गीता में पीएचडी करते हैं, गीता में पीएचडी करते हैं, परंतु फिर वही बात है, गीता में पीएचडी करने के बाद भी दैनिक जीवन में उनका आचरण देखो तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है। गीता में पीएचडी कर लिया, उपनिषद में पीएचडी कर लिया, या फिर ये सब शास्त्र पढ़ डाले, स्वामी विवेकानंद बोलते केवल पढ़ने से नहीं होता है, तोते के समान रटने से नहीं होता है। श्री रामकृष्ण उदाहरण देते थे, तोते को तुम कितना भी बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, जहां बिल्ली ने पकड़ा तो टेंटे शुरू कर देता है तोता, और फिर सीताराम भूल जाता है। हम लोग की भी यही दशा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, जब जीवन में परीक्षा की घड़ी आती है टेंटे बोलना शुरू कर देते हैं, हाय हाय क्या हुआ, हमारे जीवन में क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, बहुत टेंशन में है, सब टेंशन में आ जाते हैं। कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते थे, एकदम हाई फ्लाइट्स कराते थे, पूरे ऊंची उड़ान भरते थे, एकदम जमीन पर आ गए। क्यों? यह हमारा जो ज्ञान था वह एकेडमिक ज्ञान था, वह मात्र बौद्धिक ज्ञान था, वह आध्यात्मिक ज्ञान भीतर का ज्ञान नहीं। श्री स्वामी जी विवेकानंद बोलते हैं वह आध्यात्म ज्ञान यह गुरु की, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। कुछ लोग ये बोलते हैं क्या गुरु की आवश्यकता, गुरु करके क्या फायदा होगा, अरे साधारण मनुष्य से क्या लेना, उसे तो हम ही ज्यादा जानते हैं। हाँ, एकेडमिक नॉलेज आपका ज्यादा होगा, परंतु वह जो भीतर का जो आध्यात्मिक ज्ञान वह ऐसे नहीं आता है। और ये क्यों नहीं आता है, कारण क्या है? कारण है हमारे मन की अशुद्धि, हमारे मन की अशुद्धि। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक मन में, हमारे चित्त में अहंकार है,
अहंकार का लेश मात्र है तब तक वह अध्यात्म ज्ञान नहीं आएगा। और सचमुच में अधिकांश लोग जो गुरु बनाना नहीं चाहते हैं उसका एकमात्र कारण है उनका अहंकार है। मैं क्यों किसी मनुष्य के चरणों में अपना सिर दूंगा, हाँ हमारा कोई प्रेस्टीज नहीं है क्या? नहीं, हम किसी को सिर नहीं नवाएंगे, मूर्ति को भी सिर नहीं नवाएंगे, नहीं झुकाएंगे, हम अपना सिर कभी नहीं झुकाएंगे। या कुछ लोग आगे बढ़ करके थोड़ा कुछ नरम होते हैं, बोलते ठीक है यह सिर झुकेगा तो केवल ईश्वर के चरणों में झुकेगा, और किसी के तो बाद में कट जाएगा। अभी राम के चरण में सिर झुका दो तो बच जाएगा, और नहीं झुकाओगे तो कट जाएगा। और हम लोग कहते हैं वो कुछ भी हो हम सिर नहीं झुकाएंगे गुरु के चरण, हम तो कुछ कम है क्या, हमारे पास कोई ज्ञान की कमी है? पर हम भूल जाते हैं कि यह जो ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान, उसकी प्रथम शर्त है अहंकार का लेश मात्र नहीं होगा। दूसरी शर्त है उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इस प्रकार का कोई भी अवगुण नहीं होगा। यदि यह बात हो गई है हां तब आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है। पर बाय द वेरी फैक्ट दैट यू डू नॉट वांट टू बाउ डाउन टू समबडी एल्स दैट थिंग प्रूव्स यू गॉट इनफ ऑफ अहंकार। ये अहंकार आप में बहुत है, ये प्रमाण यही है कि आप यदि जब किसी को गुरु बनाना नहीं चाहते, किसी गुरुजन गुरु व्यक्ति के या जो अत्यंत ऐसे सम्मानीय हैं या इस प्रकार के जो ईश्वर की जो मूर्ति उसमें उस चरण नवाना नहीं चाहते, झुकाना नहीं चाहते, इसका यही प्रमाण है कि आपके भीतर में इतना अहंकार है जो अहंकार आपको सिर आपका झुकाने नहीं देता है। और जब तक अहंकार है अध्यात्म ज्ञान नहीं आएगा। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, जो प्रेम गली है ना बहुत सक्रिय है, उसमें एक ही रह सकता है प्रियतम, या हमारा प्रियतम ईश्वर है या हमारा पाला पोषण किया हुआ अहंकार, दो में से एक ही रह सकता है। जब तक अहंकार है भगवान कहते राम राम मैं चला, भगवान तो आने का प्रयत्न करते, कई लोग कहते कितना हम प्रयत्न करते ध्यान होता ही नहीं, होगा कहां से, कितनी बार आप बुलाते हैं भगवान भी आने का प्रयत्न भी करते हैं, देखा कि दूसरा कोई बैठा हुआ है वापस चले जाते हैं, फिर आपने बुलाया फिर बेचारे आए, आकर के देखा तो अहंकार बैठा हुआ है फिर वापस चले, खाली जगह होगी तब तो आएंगे। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, दो नहीं रह सकते। गोपिकाओं को बड़ा अहंकार हुआ, सूक्ष्म अहंकार, देखो कृष्ण कन्हैया किसी के साथ नहीं गए, आज रास लीला के रास पूर्णिमा के दिन हमारे साथ रास लीला कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं गए, देखो हम लोग कितने महान हैं। जहां अहंकार आया कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए, और फिर वे बहुत रो रहे हैं, रोते 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 जब उनका पूरा अहंकार खत्म हो गया तब श्री कृष्ण फिर वापस आकर के प्रकट हो गए। भगवान आते हैं कब, जब अहंकार चला जाता है। और इसीलिए बहुत सुंदर भजन है कबीर का, गुरु बिन कौन बतावे बाट, कौन रास्ता बताएगा, गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यह जमघाट, यह यमघाट है बड़ा विकट है, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी कुछ ठीक नहीं, यह जमघाट है, यह जो घाट है ना यह जमघाट है, कब किसकी मृत्यु होगी कुछ ठीक नहीं। अभी बैठे हैं सुना, अरे उसको कैंसर हो गया उसको एडमिट किया है, अभी आज ही कितने सारे हमको फोन मिलते रहते हैं, अरे उसको कैंसर हो गया अचानक हो गया, अरे वो उसको वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहां गए थे लेक्चर देने के लिए अचानक वो स्ट्रोक हो गया तो अभी हॉस्पिटल में, कलकत्ता के हॉस्पिटल में एडमिट है, अचानक ये अरे वो जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया तो अभी हॉस्पिटल में, अरे वो तो चल बसे हैं, अरे अभी हमारा अपॉइंटमेंट था 7 दिन के बाद मिलने का, वो खत्म, वो भी तो क्या जाओ उधर ऊपर मिलने के लिए, सब खत्म, कब कौन मर जाएगा कुछ, ये जम घाट है, कब किसकी मृत्यु होगी कुछ ठीक नहीं है। सबसे अधिक कोई भी यदि डेफिनेट चीज है, श्योरेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, जो अवश्यम भावी है वह है हमारी मृत्यु, और सबसे ज्यादा इनडेफिनिट चीज कोई है, अनिश्चित सबसे अधिक कोई है वह है मृत्यु का समय, कब किसकी मृत्यु होगी कुछ नहीं, सबसे ज्यादा निश्चित है मृत्यु, सबसे ज्यादा अनिश्चित है मृत्यु का समय, कब किसकी मृत्यु होगी कुछ ठीक नहीं। कई लोग सोचते हैं कि भाई एवरेज तो अभी 65 ईयर्स हो गई भारत की, पहले 35 ईयर्स थी, तो 65 साल तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये भाई एवरेज एज है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग 65 साल तक जाएंगे, कुछ कुछ वो बूढ़े 90 साल तक है, उसका मतलब ही होता है आपका 35 साल कट गया। वो जो दो लोग 90 साल तक जीते हैं इसका मतलब है कुछ लोगों को 8 साल में जब मरना पड़ेगा, यदि 65 साल ये एवरेज है तो ये इस प्रकार से आती है, हम लोग सोचते हैं 65 तक तो सवाल ही नहीं है, उसके बाद में देखा जाएगा,
परंतु ये कोई गारंटी नहीं है कब किसकी मृत्यु होगी, सबसे अनिश्चित है। इसीलिए गुरु बिन कौन बतावे बात, इसीलिए यक्ष ने प्रश्न किया किम आश्चर्यम, सबसे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु कौन सी है। हम होते तो तुरंत बोलते सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ताजमहल, भाई हमने बहुत SMS भेज करके ताजमहल को भी सेवन वंडर्स में रख दिया, ये देखो ये सेवन वंडर्स है, तुरंत हम यक्ष को उत्तर दे देते। परंतु युधिष्ठिर ने क्या कहा, सेवन वंडर्स की बात नहीं की, उन्होंने कहा सबसे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु यह है प्रतिदिन मनुष्य अपनी नजर के सामने कितने लोगों को मृत्यु के मुख में जाते हुए देखता है और फिर प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार से व्यवहार करता है मानो वह कभी नहीं मरने वाला है, कभी नहीं। किसी को भी पूछिए अच्छा कब प्लानिंग है आपका मरने का, बोले मेरा तो मरने वाला मैं हुई नहीं, इसी प्रकार से मेरा मकान बना रहा हूं, राजस्थान से स्पेशल टाइल्स मंगाई है, वह हमारा मकान बन रहा है 15 साल से, भी बहुत साल तक बनेगा, चलता रहेगा, उसमें विशेष प्रकार की टाइल्स हमने लगाई है और विशेष प्रकार की सब फैसिलिटी है, पेरिस से हमने डिजाइन मंगाई है, पर पता नहीं है उस मकान में कौन रहेगा। हम तो जानते हैं, हम तो मुस्कुराते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा हो गया कि मकान तो बहुत बढ़िया बन गया पर मकान जिसने शुरू किया था वो नहीं रहे, वो चल बसे, ऐसा कई बार हुआ। पर बेस्ट मकान बनाने के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य है, युधिष्ठिर ने कहा अपनी नजर के सामने लाखों लोगों करोड़ों लोगों को, और अब तो उस समय के जमाने में तो सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध को निकलना पड़ा, अपने पिताजी को बोलना पड़ा मुझे एक बार कम से कम नगर का परिभ्रमण करने दीजिए, मैं राजमहल में आपने रखा है 3 राजमहल बना दिए, एक दिन तो नगर का परिभ्रमण करने दीजिए। राजा को पहले से डर था कि भाई ये बाहर निकलेगा तो फिर प्रॉब्लम, अच्छा जाओ बहुत एकदम बढ़िया एकदम से कह दिया, देखो इतने प्रकार की चेतावनी, कहीं पर भी कोई मृत्यु व्यक्ति नहीं आना चाहिए, भिखारी नहीं आना चाहिए, रोगी नहीं आना चाहिए, सजा वजा के रखो, रोजी पिक्चर लगना चाहिए एकदम, चारों तरफ गुलाब 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 के फूल सब रख दो, लगेगा कि नहीं सृष्टि के इस पृथ्वी के समान कोई सुंदर जगह नहीं है, और राज्य के इस प्रकार से जीवन बहुत एकदम बेड ऑफ रोजेज है, पूरा गुलाबों की सेज है, इस प्रकार का सिद्धार्थ को लगना चाहिए, नहीं तो फिर वैराग्य आ जाएगा तो मुश्किल है, हम तो उसको बड़ा राजा बनाना चाहते हैं। तो पहली बार तो बहुत अच्छा लगा, फिर उसको पता लगा कि इस प्रकार से पहले से कहा गया था, इसलिए एक बार हमको नेचुरल जिस प्रकार से लोग रहते ऐसा दिखने दीजिए। राजा ने कहा अब मरे ये कैसे, उसको कुबुद्धि सूझी, अच्छा जाने दो, बस गए तो खत्म। एक ही बार गए और 3 दृश्य देखे, एक रोगी को देखा, एक मुर्दे को देखा श्मशान यात्रा, और एक सन्यासी को देखा, बस हो गया, बोले मैं भी सन्यासी बनूंगा, यही सच्चा मार्ग है। कि जहां पर उसने वह उस खोज के लिए, उस रियल रिसर्च के लिए, मृत्यु पर रिसर्च, कि मृत्यु के परे मुझे जाना चाहिए, कभी भी मर सकते हैं क्या तुम बोलते हो, पर मैं मरना नहीं चाहता फिर भी मुझे मरना पड़ेगा, इसमें किसी की दादागिरी नहीं चलती। सिद्धार्थ ने कहा मैं कभी भी मरना नहीं चाहता, बोले इसमें दादागिरी नहीं चलती, मरना तो पड़ेगा ही, सभी को मरना पड़ेगा, हाँ, और यशोधरा वो भी मरेगी, अरे हाँ वो भी मरेगी, और फिर वृद्ध को देखा, ये वृद्ध, बोले ये सबको वृद्धता अवस्था आती है, तो किसको नहीं आती, सभी को आती है अवश्यंभावी, सभी लोग ओल्ड बनेंगे, सभी वृद्ध बनेंगे, तो इसे बचने का उपाय, बचने का एकमात्र उपाय युवावस्था में, यदि मर जाओ तब वृद्धावस्था नहीं आएगी, तो मरना क्या चीज है, ये देखो सामने से मुर्दा आ रहा है, ये मर गया है, तो मर गया तो अब उसको बेचारे को जला रहे हैं तो चिल्ला भी नहीं रहा, बोले अब चिल्ला नहीं सकता, हो गया सब खत्म, उसकी सांस भी निकल गई, सब हो गया, अब उसको कुछ भी करो मारो पीटो कुछ नहीं होगा, मुर्दा है। बस एक ही बार मुर्दा देखा, एक ही बार मृत्यु देखी, एक ही बार वृद्ध मृत्यु देखा, एक ही बार रोगी को देखा, जीवन परिवर्तित हो गया। इसीलिए वो बुद्ध भगवान थे, हम लोग बुद्ध हैं, ये दो इतना ही डिफरेंस है, वो बुद्ध थे हम लोग बुद्ध हैं, रोज देखते हैं, और आजकल तो टीवी के माध्यम से तो अपने ड्राइंग रूम में कितने मर्डर देखते हैं, कितने टेररिस्ट लोगों ने कितना खत्म कर दिया, बॉम्ब लेकर के जम्मू में उड़ा दी, बस हमारे गुजराती लोग ही कितने चले गए नजर के सामने, अरे हमारे यहाँ घर के सामने ही तो कभी कभी हो जाता है, और कभी कभी तो हमारे घर में परिवार में ही लोग मर जाते हैं, और श्मशान यात्रा में भी जाते हैं, इतना सब होते हुए भी वो प्रतिदिन समाचार पत्र में आजकल यही खबर ज्यादा आती है मसालेदार, कौन मर गया, किसने किसको मारा, अच्छी खबर तो आती नहीं है क्योंकि उनको तो पेपर बेचना है, इतना सब होते हुए भी इतना परिश्रम कर रहे हैं न्यूज़पेपर वाले चैनल वाले ताकि हमारा वैराग्य प्रदीप्त हो
बैड न्यूज ज्यादा देते हैं, दुखद समाचार ज्यादा देते हैं, सुखद समाचार नहीं देते, दुखद समाचार ज्यादा देते हैं और खराब समाचार ज्यादा देते हैं। पेपर वाले भी वही, टीवी चैनल वाले भी वही, और दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं। उसके बावजूद भी युधिष्ठिर ने कहा, प्रतिदिन नजर के सामने मृत्यु को देखते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि हम कभी नहीं मरेंगे। ये सबसे बड़ी आश्चर्यजनक वस्तु है। ऐसी आश्चर्यजनक वस्तु कहते हैं, गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यह जमघाट। ये जमघाट है, इतना बड़ा जमघाट है, प्रतिदिन लाखों लोग मर रहे हैं, परंतु ऐसे जमघाट में हम लोग को भी कब जम आकर के, यम आकर के ले जाएंगे, कब आकर के मृत्यु आएगी, कुछ ठीक नहीं है। ऐसा विकट यह जमघाट है, भ्रांति की पहाड़ी नदियां बीच में, और हम जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं उस परम तत्व के तरफ, परम सुख, शाश्वत सुख, शाश्वत शांति के रास्ते पर, अरे रास्ता बड़ा कठिन है। शुरस्य धारा निशिता दुर्त्या दुर्गम पथस्त तत्कवयो वदंती, कठोपनिषद में कहा है। वह जो मार्ग है अध्यात्म विद्या का मार्ग कैसा है, शुरस्य धारा निशिता दुर्त्या, एक तलवार की जो नोक रहती है, अत्यंत तीक्ष्ण नोक, उस पर चलना जितना कठिन है उतना कठिन वह मार्ग है अध्यात्म का। और इसीलिए कहा कठोपनिषद में, शुरस्य धारा निशिता दुर्त्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती, वह जो पथ है अत्यंत दुर्गम है। किसने कहा, जो लोग ज्ञानी जन है, अनुभवी लोग हैं, कवि हो, उन्होंने कहा। और इसलिए क्या कहो, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, इसलिए उठो, ये जो अज्ञान की निद्रा में सोए हो आराम से कि नहीं हम तो कभी मरने वाले नहीं है, उठो, ये अज्ञान की निद्रा से उठो, उत्तिष्ठत जाग्रत, जाग्रत हो जाओ। और फिर क्या करो, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। स्वामी विवेकानंद ने उसका फ्री ट्रांसलेशन अन्य प्रकार से किया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोदरी रिस्ट, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक रुको मत। परंतु उसका सचमुच में कठोपनिषद में जो श्लोक है उसका लिटरल मीनिंग यह होता है, उठो जागो और गुरुजन के पास जल्दी से ज्ञान प्राप्त करो। क्यों, बड़ा विकट यह जमघाट, कब किसकी मृत्यु होगी कुछ ठीक नहीं है, मृत्यु आए उसके पहले अमर बन जाओ, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लो। और नहीं, जिस प्रकार से सिकंदर महान सारे विश्व पर उसने विजय प्राप्त करने के बाद रोता रोता वह चला गया स्मशान में, जब उसको उसकी कब्र में डाला गया, उसने कहा अपने सेनापति को, मेरे हाथ को खाली रखना ताकि सारे विश्व को संदेश मिल सके। उस महात्मा ने जिसने अपने आत्मा पर विजय प्राप्त की थी, मृत्यु के समय हंस रहा था और मैं आज मृत्यु के समय रो रहा हूं, लोगों को पता लगे सिकंदर ने सारे विश्व पर विजय प्राप्त की पर खाली हाथ वापस लौट रहा है, कुछ अपने साथ ले जा नहीं रहा है, कुछ अपने साथ जाने वाला नहीं है, यह संदेश सब लोगों को मिल जाए। तो यह जो अत्यंत वह दुर्गम मार्ग है उस मार्ग पर जाना है, नहीं बिना मार्गदर्शन के। एक दूसरी जगह पर यदि हमको जाना रहता है तो भी हम लोग गाइड ले लेते हैं, और कई लोग बड़ा जगह देख करके आए, बोले हम तो माउंट आबू देख करके, हाँ अच्छा सनसेट पॉइंट देखा, वो तो नहीं देखा, अच्छा लेडविक पॉइंट नहीं देखा, तो क्या देख के आए, बोले हम तो भाई एक दिन के लिए गए थे। अरे हम तो एक दिन के लिए गए थे, सब देख लिया, पर हमने सबसे पहले जाकर के गाइड कर लिया, गाइड ने पूरा मैप बताया कौन कौन सी जगह देखना है बता दीजिए, ये 18-20 जगह देख लीजिए, ये अच्छी जगह है, एक दिन में हमने सब देख लिया। और आप 3 दिन रहे मूर्ख के सामने कुछ नहीं देखा, क्यों, गाइड ने किया। एक साधारण जगह भी जाते हैं हम गाइड करते हैं, मार्गदर्शक होने से बहुत अच्छा सरल हो जाता है सब चीज, मार्ग भी सरल हो जाता है। नहीं, गाइड नहीं लिया और गए अपना देखते से, चलो आगे आगे गोरख जागे, बहुत सैकड़ों मिल जाकर के, सैकड़ों किलोमीटर जाकर के पता पड़ा, अरे गलत रास्ते पर आ गए। और किसी गाइड को पूछ लेते, मार्गदर्शक को पूछ लेते, तो इतना लंबा आपका डीजल कॉस्ट भी बच जाता, समय भी बच जाता, अपॉइंटमेंट भी आपके लेट नहीं होते। मार्गदर्शक की आवश्यकता है अपने दैनिक जीवन में, आवश्यकता है। यह तो अध्यात्म मार्ग है, इतना कठिन मार्ग है, इसमें अध्यात्म मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कबीर कहते हैं, गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यह जमघाट, भ्रांति की पहाड़ी नदियां बीच में अहंकार की लाट। यह अहंकार इतना भयंकर है, यह हमें कभी बढ़ने नहीं देगा अध्यात्म विद्या में, बीच में आएगा, और इसीलिए अहंकार की लाट है। काम क्रोध दो पर्वत ढाड़े, और दो बड़े पर्वत आते हैं उनको पार करना बहुत, ये कौन से, काम और क्रोध रूपी दो पर्वत आते हैं इस रास्ते पर। लोभ चोर संघात,
और बहुत सारे चोर बीच में आकर के वो लूटने आते हैं। लोभ, लोभ नाम की हमारे जो हृदय में जो यह लोभ नाम की जो हमारा दुर्गुण है वो हमें मानो लूटता है। मद मत्सर का मेह बरसत, और बीच में फिर बरसात भी आती है, हेवी डाउनपोर, बहुत वर्षा जोर की होती है। वो कौन सी? मद और मत्सर की वर्षा। छाते लेकर के आप जाएंगे काम नहीं करेगा, रेनकोट भी काम नहीं करेगा, ऐसा जोरदार वर्षा, मद और मत्सर की वर्षा। माया पवन बहेदार, और जोरदार पवन हो रहा है, साइक्लोन आया हुआ है, काहे का? माया रूपी यह पवन ये सब समय इतने जोर से आ रहा है, हमको उड़ा करके ले जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना यह घाट, यह जो घाट है ये बहुत, यह जो नदियां है बहुत भयंकर नदी है, इस प्रकार का तूफान आया हुआ है, इस प्रकार के बीच में बड़े पेड़ बड़े बड़े पहाड़ हैं, अत्यंत दुर्गम रास्ता है, पहुंचना है उस पार, या जमघाट से आगे जाना है वहां पहुंचना है, इसीलिए बिन गुरु बिन कौन बतावे बाट, यह बिना गुरु के रास्ता कौन बताएगा, गुरु की बड़ी आवश्यकता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को पूछा कि महाराज गुरु की क्या आवश्यकता, बिना गुरु के नहीं हो सकता? तो ब्रह्मानंद जी महाराज ने हंसते हुए कहा, अरे आजकल तो पॉकेट मारो का भी गुरु होते हैं। हाँ, पॉकेट मारो के गुरु होते हैं, ओला वो लोग भी अपना गुरु वो शब्द बोलते हैं। और सचमुच में यदि किसी को बोल दे अरे गुरु मत बन, तो उसको बुरा लगता है। ऐसे तो हम लोग सोचते हैं गुरु बनना माने उससे बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं, गुरु को तो हम लोग कितना सम्मान देते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, पर वो जो दादा लोग हैं जो डकैत लोग हैं उसमें यदि कोई दे कि गुरुगिरी मत कर गुरु मत बन, मतलब उसमें खराब चीज दे, क्यों? तो उसमें उनके उनके गुरु की अलग व्याख्या है। वो गुरु है वो चोरों का भी जो गुरु है, माने बड़ा चोर है उसको गुरु बोलते हैं, उन लोग उसको गुरु बोलते हैं, वो चोरों के गुरु हैं। तो वहां पर डकैतों का एक दल था चीन में, तो उस सरदारों की पूरे इस डकैतों का एक दल था, उसके सरदार का नाम था ची। तो जो उसमें से एक डकैत था उसने अपने सरदार को पूछा, अच्छा आपने कहा ताओ की बहुत आवश्यकता है, तो चोरी करने में भी क्या ताओ की आवश्यकता है? ताओ के द्वारा चोरी भी हो सकती है? अरे ताओ की आवश्यकता सभी चीज है, ताओ मतलब महान पथ, उस सत्य को परम सत्य को प्राप्त करने का मार्ग, उसको ताओ बोलते हैं। बोले ताओ तो सभी में आवश्यक है, मतलब वो परम ज्ञान सभी में आवश्यक है। कैसे? अरे बोले डकैती यदि करना हो तो सबसे पहले बुद्धि चाहिए, कहां माल कहां है इसको प्राप्त, उसका उसके नॉलेज तो लाभ प्राप्त करना चाहिए, इसके लिए बुद्धि चाहिए। फिर डकैती के रूप में जाओगे तो आगे बढ़ने के लिए साहस चाहिए, सबसे पहले कौन आगे बढ़ेगा उसका साहस चाहिए, यदि सरदार बनना हो तो सबसे पहले आगे बढ़ेगा जो, उसका साहस चाहिए। और फिर आखिरी में निकलने की उतनी बहादुरी चाहिए कि सबसे लास्ट में निकले सबसे पहले जाए, बाकी चोर फिर उसके पीछे पीछे जाएंगे, तब तो वो सरदार बनेगा। फिर केवल उसी से नहीं होगा, कहां खजाना पता लगा लिया चले भी गए, और उसके बाद में यह जो सभी लोगों को कैसे भगाना उसका नॉलेज वह भी उसके पास चाहिए, और फिर लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए। जब खजाना आ भी गया, पुलिस ने नहीं पकड़ा है, सब कुछ हो गया, आने के बाद जब डेरे डंडा जहां रहता है उनका अड्डे पर आए, उसके बाद अभी शेयरिंग, किसको कितना मिलेगा वो भी उसकी लीडरशिप होनी चाहिए, किसको कितना डिवाइड करना, भाई इसने ज्यादा काम किया उसने पता लगाया था ले उसको 50%, इसको 25%, वो शेयरिंग गेंस, उतनी भी उसमें लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। इतना सब होगा तब जाकर के डाकू का वो सरदार बनेगा। तो उसमें भी ची ने कहा कि उसमें भी ताओ चाहिए। तो एक साधारण चोर के चोर बनने के लिए भी, चोरी करने के लिए भी आपको गुरु की आवश्यकता है, सरदार के चोरों के गुरु की आवश्यकता है। पॉकेट मारी सीखने के लिए उनके गुरु होते हैं, अलग पॉकेट मारी कैसे करना उसके गुरु होते हैं। रामकृष्ण देव के शिष्य थे स्वामी गिरीशचंद्र घोष, महान नाटककार महान कवि महान भक्त थे, और वे अपनी बाद में तो उन्होंने नाटक और ये सब छोड़ दिया, थोड़ा होम्योपैथी प्रैक्टिस करते थे, गरीब लोगों को दवा देते थे, दूसरे लोग भी आए उनको दवाई देते थे। एक बार इसी प्रकार दवाई देने के लिए बैठे हुए थे अपने मकान के नीचे में, एक आदमी आया तो वो दवाई लेने आया था, बड़ा चिंतित दिखा। बोले क्या बात है चिंता? बोले अभी आ रहा था मेरी घड़ी किसी ने चुरा ली, ये होता है ना आजकल सब स्नैच कर लेते हैं, तो बोले मेरी चोरी घड़ी चोरी चली गई। तो गिरीशचंद्र घोष ने तो कुछ नहीं कहा, उसके बाद में पास में एक ऐसे ही आदमी बैठा था, उसने पूछा कहां से चोरी हो गई, किस जगह से चोरी हुई, कितने समय में चोरी हुई।
अब ये बोले ये झंझट बेकार क्यों कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं गिरीश घोष से, फिर भी उसने कह दिया। तो आदमी कहा डोंट वरी मिल जाएगी घड़ी। क्यों कहा, कैसे कह सका इतने कॉन्फिडेंस से, क्योंकि वो चोरों का गुरु था। हर एक जितने पॉकेट मार रहते हैं उनका एक एक गुरु रहता है, और कौन से समय में किस एरिया में कौन ऑपरेट करेगा ये उनको मालूम है। शाम को जाएगा सबको जब मीटिंग होगी, अच्छा वो ट्राम में वहां से उस एरिया से इतने बजे तक एक आदमी आ रहा था, उस समय कौन ऑपरेट कर रहा था, किसने पॉकेट मारा, लाओ घड़ी इधर दो घड़ी वापस। तो ये पॉकेट मारों के भी गुरु होते हैं। तो पॉकेट मारों के गुरु होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, अच्छा बच्चों को बोले संगीत सीखना है तो संगीत के गुरु भी आवश्यक है, जुड़ो कराटे सीखना है हाँ उसके भी गुरु आवश्यक है, ट्वेल्थ साइंस में है भाई ट्यूशन तो कराना पड़ेगा, स्कूल में तो जाता है वो तो केवल अटेंडेंस के लिए, बाकी असली तो उसको पढ़ाई तो ट्यूशन में होगी ना, कोचिंग क्लास करना पड़ेगा, ट्यूशन करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का ट्यूशन तो बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री फिजिक्स का भी ट्यूशन रखना पड़ेगा, उसके लिए ट्यूशन बहुत आवश्यक है। ये सभी के लिए गुरु आवश्यकता है, मैथमेटिक्स के गुरु आवश्यक है, ज्योग्राफी हिस्ट्री के गुरु आवश्यक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के गुरु आवश्यक है, संगीत के गुरु आवश्यक है, जुड़ो कराटे के गुरु आवश्यक है, ये सभी के गुरु आवश्यक है। और अध्यात्म विद्या वो तो बहुत सरल है, उसमें गुरु की क्या आवश्यकता है, वो तो किताब पढ़ के हम लोग सीख लेंगे, ये हम लोग की भूल धारणा है। तो इसीलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है, और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद में कहा कि जिसको इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, उस आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, उसे गुरु मेवा अभिगच्छेत गुरु के पास एव अवश्य जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, समित पाणी, हाथ में समित पाणी लेने की उस समय की यह थी, यज्ञ के लिए जो लकड़ी लगती है यह प्रतीक है, उसको लेकर के जाना चाहिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। गीता में भी कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जाकर के बैठना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और प्रश्न पूछ करके उनके पास से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए, तब जाकर के यह ज्ञान मिलता है। इसीलिए ये गुरु की बहुत ही आवश्यकता है। परंतु ये गुरु बनाने के समय हमें सावधान रहना पड़ेगा, गुरु के प्रति हमें श्रद्धा तो अवश्य प्रकट करनी चाहिए, परंतु अतिरेक भी ना हो। कभी कभी हम लोग अंधविश्वासी बन जाते हैं, और हम लोग कोई भी गुरु बनकर के सज सज करके आया, हम लोग उस पर विश्वास करते हैं, और फिर हम लोग ठगा जाते हैं। श्री रामकृष्ण कहते थे भक्त होबी तो होबी बोका हवी कैनो, भक्त बनो बेवकूफ मत बनो। हम लोग आजकल तो सभी क्षेत्रों में पब्लिसिटी का भी तो बहुत बोलबाला है, पब्लिसिटी ही हो गई, पैकेजिंग का जमाना है, पब्लिसिटी का जमाना है, और सभी जगह ठगाई चल रही है, पर सबसे अधिक जो ठगाई चल रहे हैं अभी धर्म के क्षेत्र में। ऐसे इतने सारे गुरु आ गए हैं, नकली गुरु का मानो पूरा जमघट आ गया, और इतनी सारी पब्लिसिटी हो रही है कि बहुत संभव है कि हम उसमें बह जाएं, और कई लोग बह भी जाते हैं। वो कई क्यों बह जाते हैं, कारण क्या है, कारण यह है कि हम लोग सब कुछ मुफ्त में चाहते हैं। ये मुफ्त में प्राप्त भेंट योजना में जाने की बात है ना, गिफ्ट योजना चाहिए हमको, सब मुफ्त में चाहिए, और सब सर हमको चीप चाहिए, और बाद में रोते हैं पछताते हैं, 1.5 रुपए में सेल मिल रहा है, चलो 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 सेल मिल लिया, और फिर आधा घंटे बाद सेल नहीं चल रहा है, अरे इसने तो लूट लिया, अरे लूट लिया तुम तो उसको लूटने के, 1.5 रुपए का सेल मिलता है वो तो चाइना का था, तो यदि तुमको सोनी के सेल लेना है लाओ जाओ जापान के 9.5 रुपए दो, तो क्वालिटी यदि तुमको चाहिए तो उसका तुमको पेमेंट करना पड़ेगा, पर हम चाहते हैं मुफ्त में सब, और इसीलिए हमको इसी प्रकार के गुरु मिलते हैं, हम चमत्कारी गुरु चाहते हैं, जो फट फट एक हाथ रखे खत्म, एक नंबर बता दे हो गया, इंस्टेंट समाधि दे दे, $35 में इंस्टेंट समाधि, देने वाले भी हैं लेने वाले भी हैं, और बाद में बोले कि अरे वो तो चला गया इंस्टेंट समाधि दे करके, अब ये कुंडलिनी ऊपर चढ़ गई, अब नीचे नहीं उतरते क्या करें, रोते हैं, बाद में मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर बोले भाई इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा कुंडली वाला हालत हम नहीं ठीक कर सकते, गए काम से मेंटल हॉस्पिटल $35 में, एक दिन तो बहुत अच्छा लगा 2-3 दिन, और इंस्टेंट समाधि। ये सभी लोग आजकल जितने हैं इतना चीप शब्द कर दिया गुरु और समाधि, समाधि बस हमको सभी को अब समाधि चाहिए, ध्यान तो किसी को करना ही नहीं, अभी सबको समाधि बोले हमको समाधि दीजिए, ये गुरु ध्यान करने का हमको अभी झंझट मत खत्म कर दीजिए। अरे समाधि सप्तम सोपान है, पातंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग की बात है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और अष्टम है समाधि,
यम मने सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा, नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये सब झंझट हमको नहीं करना है, और प्राणायाम भी नहीं करना, प्रत्याहार भी नहीं करना, धारणा भी नहीं करना, ध्यान भी नहीं करना, समाधि सीधा हमको दे दीजिए एकदम इंस्टेंट। चमत्कार के पीछे हम लोग दौड़ते हैं और फिर उसको हम लोग को इसी प्रकार के चमत्कार मिलते भी हैं, चमत्कारी बाबा जी लोग मिलते हैं और फिर पूरा हमारा रुपया लूट करके चले जाते हैं, फिर हम लोग रोते रहते हैं, फिर बोलते हैं आजकल का जमाना कितना खराब हो गया, आजकल साधु सन्यासी गुरुजन कैसे गुरु सब मिलते हैं, सब नकली गुरु, बहुत गाली देते हैं। पर तुम काहे को गए थे वहां पर? जब तक मूर्ख लोग इस दुनिया में हैं तब तक ठगों की कमी इस दुनिया में नहीं रहेगी। जितने जब तक जमाने इस हमारे संसार में ठग मूर्ख हैं तब तक ठग रहेंगे, क्योंकि मूर्ख हैं इसीलिए ठग लोगों को अच्छा लगता है। यदि आप जब तक मूर्ख बने रहेंगे वो तो ठग नहीं है उसको, हम लोग मूर्ख के समान जाते हैं, आओ हमको ठगो। एक मनुष्य बोला कि भाई मेरे को तो भगवान का दर्शन, माँ काली का दर्शन करना है, तो गया गुरु के पास। कितने गुरु के पास गया? नहीं भाई, साधना करनी पड़ेगी। पर एक मॉडर्न गुरु था, आओ 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 यहाँ तो मैंने दुकान खोल के रखा हो, परंतु 5,000 रुपया नगद देना पड़ेगा। हाँ एडवांस पेमेंट होता है यहाँ, हाँ दीजिए मेरे को दर्शन करा दो। अरे दर्शन तुम्हारा हो जाएगा आज रात को, दर्शन हो जाएगा माँ काली का, रखो 5,000 रुपये, 5 रुपये ले लिया, रात को दर्शन हो जाएगा जाओ। तो कहा ये दूसरे गुरु लोग बोलते थे सारी जिंदगी सुबह शाम जब ध्यान करो, मंत्र का जब मिनिमम 108 बार करना पड़ेगा। हम भी बेवकूफ थे, पहले से यहाँ आते कितना अच्छा रहता, ये कितना अच्छा गुरु है, देखो बढ़िया, ये कितना अच्छा मीठा बात बोलता है, हमारे बिल्कुल हमारी लैंग्वेज में बात करता है। इंस्टेंट दर्शन, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट समाधि, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट का जमाना है, ये इंस्टेंट वाला गुरु हमको अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। इंस्टेंट 5,000 रुपया दिया और बस बोले आज इंस्टेंट तुमको दर्शन हो जाएगा। रात को जैसा बैठा था और जिस प्रकार से उसने बताया उस प्रकार से मंत्र जाप किया, जिस प्रकार से बैठा था उसी जगह पर बैठा और बराबर जैसा बोला था आधे घंटे बाद मंत्र जाप करना, ध्यान करना, तो माँ काली, ठीक माँ काली प्रकट हो गई। और ये तो एकदम प्रसन्न हो गया, एकदम चरणों में लोट हो गया, माँ 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 तुमने मुझे दर्शन दिया, मैं कृतार्थ हो गया। फिर उसने पूछा, माँ मैंने सुना है कि जब माँ का दर्शन होता है, जब ईश्वर का दर्शन होता है तब बहुत प्रकार का आनंद भीतर से होता है और कंपन वगैरह होती है, मुझे न तो कंपन हो रहा है न भीतर से उस प्रकार का आनंद हो रहा है, क्या बात है? तो एक पुरुष का स्वर सुनाई दिया, ये सब बातें मत पूछो, मुझे 500 रुपया दिया, यहां खड़ा रहने का इसलिए खड़ा हूं। माँ काली का सजावट करके लगा दिया 500 रुपये, सजावट करके 5,000 रुपया, सजावट का 200 रुपया, 500 रुपया इसको दिया, 5,000 - 700, 4,300 का नगद कमाई। बाद में वो गुरु तो दिखने वाला नहीं, तो चला गया दूसरे शहर में अपनी दुकान खोलने के लिए, गए 5,000। ये हम लोग फिर ठगाते हैं और फिर हम लोग गाली देते हैं, ये नकली गुरु इतने आगे, तुम क्यों जाते थे? तुमको कोई मेहनत नहीं करनी है, यम नहीं पालन करना, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह कुछ नहीं करना है, नियम नहीं पालन करना है, ध्यान नहीं करना है, प्रार्थना नहीं करनी है, मंत्र का जाप नहीं करना है, एकदम मुफ्त में बस रुपया दे करके इंस्टेंट समाधि चाहिए, रुपया दे करके भगवान का दर्शन चाहिए, फिर ऐसे ही मिलेगा, इसी प्रकार से चमत्कार होगा। इसीलिए यह जो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, श्री राम स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि संसार ऐसे नकली गुरुओं से भरा पड़ा हुआ है। क्यों? जिसके पास खुद के पास नहीं है वो दूसरों को देना चाहता है, लाखों रुपए का दान देना चाहता है। हमारे कठोपनिषद में बहुत सारी बात, बहुत अच्छी बात बताई ऐसे गुरु के बारे में। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना परियंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांदा। जो इस प्रकार के जो नकली गुरु रहते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंतर में क्या है? अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, उनके भीतर में क्या है? अविद्या है, उनको ज्ञान नहीं हुआ, पूरा अविद्या अज्ञान भरा हुआ है, परंतु अपने आप को बड़ा पंडित मानते। क्यों? बहुत प्रकार की किताब वगैरह पढ़ ली। स्वयं धीरा पंडितम मन्य माना जंघन्य माना, ऐसे मूर्ख लोग क्या करते हैं? परियंति मूढ़ा अंधे नियमाना यथांदा। एक अंधा जब दूसरे अंधे को बोलता है चल तुझे मार दिखाता हूं, क्या होता है? दोनों जाकर के खड्डे में गिरते हैं, कुएं में गिरते हैं, या फिर चारों ओर घूमते रहते हैं,
उसी प्रकार से बोलते हैं जिस प्रकार से एक अंधा दूसरे अंधे को मार्गदर्शन करता है और चारों ओर घूमते रखते हैं मूर्ख के समान, उसी प्रकार से ये गुरु जो है नकली गुरु, ये खुद तो उनको ज्ञान हुआ नहीं है, अभी तक उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु दूसरों को भी ज्ञान देने के लिए तत्पर हो गए हैं। अविद्याया मंत्रे वर्तमाना, स्वयं अपने आप को पंडित मानते हैं और दूसरे को भी बोलते आओ मुझे मार्गदर्शन करो। और इसी प्रकार से हम एक अंधा जिस अंधे को हम लोग अपना मार्गदर्शन लेते हैं और फिर जाकर के खड्डे में गिरते हैं और फिर रोते हैं, इसलिए सावधान होना चाहिए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा संसार अब इसी प्रकार के नकली गुरुओं से भरा पड़ा हुआ है। एक प्रत्येक भिखारी लाखों रुपए का दान देना चाहता है, खुद के पास तो है नहीं, एक भिखारी के पास एक रुपया नहीं है और बोलता मैं लाख रुपए का दान करूंगा। अभी ये गुरु के पास खुद के पास कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं है, वो कहता मैं तुम लोगों को ज्ञान दूंगा। इसी प्रकार के भिखारियों से, इसी प्रकार के व्यक्तियों से भरा पड़ा हुआ है यह। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्त हो भी तो हो भी बोका हो भी कहो मूर्ख मत बनो। तो क्या करना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए, पहले परीक्षा कर, जैसे स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण की परीक्षा की, गुरु की परीक्षा करके बाद में गुरु को फिर बाद में बोलते अरे हमारा क्या हुआ। तो क्या करना चाहिए, पहले परीक्षा करनी चाहिए। तो सद्गुरु के लक्षण बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, तो कम से कम चार लक्षण, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, अव्रजिन, अकामहत, ये चार लक्षण मिला लेना चाहिए। श्रोत्रिय, जिसके पास शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है। दूसरा ब्रह्मनिष्ठ, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है। अव्रजिन, जिसका चरित्र निष्पाप है। अकामहत, जिसमें लेन देन की भावना नहीं, निस्वार्थता है। ये चार प्रकार की चीजें होनी चाहिए, तब जाकर के सदगुरु बनते हैं। परंतु हमको ऐसे सदगुरु मिलते नहीं है, क्यों, इसलिए नहीं मिलते। कई लोग बोलते हैं भाई हमको कोई रामकृष्ण के समान गुरु मिल जाएगा जो बोलेगा जैसे स्वामी विवेकानंद को बोला था, हां मैंने खुद ने ईश्वर को देखा है, तुम चाहो तो तुम्हें भी ईश्वर के दर्शन करा सकता हूं। ऐसा यदि कोई बोलेगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे। हमको तो रामकृष्ण के समान गुरु चाहिए। रामकृष्ण के समान गुरु चाहिए अवश्य मिलेंगे, पहले स्वामी विवेकानंद बनो तब रामकृष्ण जरूर मिल जाएंगे। तुम्हारे में लाया योग्यता है। हमारे एक वरिष्ठ सन्यासी थे, उनके पास एक युवक आया, उसने स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़ा होगा कि स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्रनाथ दत्त कॉलेज के विद्यार्थी थे, सभी गुरुओं को पूछते थे सर हैव यू सीन गॉड, क्या आपने ईश्वर महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है, इस प्रकार सबको पूछा करते थे। तो बाद में रामकृष्ण देव को पूछा और बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, पहले बताओ आपने क्या खुद ने ईश्वर को देखा है। और पहली बार उनको संतोषप्रद उत्तर मिला था। श्री रामकृष्ण देव ने कहा हाँ बेटा मैंने खुद ने ईश्वर को देखा है, जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं, और यदि तुम चाहो तो तुम्हें भी उनके दर्शन करा सकता हूं, परंतु साधना करनी पड़ेगी, प्रयोगशाला में आना पड़ेगा। यह धर्म का विज्ञान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अवश्य होगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लेबोरेटरी में आना पड़ेगा। H2+O2=H2 हम नहीं मानते, मानने की बात नहीं है, एक्सपेरिमेंट करो, इलेक्ट्रिकली प्रोसेस करो, हाइड्रोजन और गैस ऑक्सीजन गैस मिलाओ, फिर पानी नहीं मिलेगा तब बोलना कि हम विश्वास नहीं करते हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, कैसे पानी मिलेगा। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण कहते हैं मैंने ईश्वर के दर्शन किए, तुम चाहो तो तुम्हें भी दर्शन करा सकता, परंतु प्रयोगशाला में आना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। नरेंद्रनाथ ने एक्सेप्ट की चैलेंज और बाद में उन्होंने साधना की। इसीलिए अपने अनुभूति के बल पर उनको खुद को काशीपुर उद्यान बाटी में निर्विकल्प समाधि का वह ज्ञान हुआ, उनको परमात्मा के दर्शन हुए, इसीलिए उस अनुभूति के बल पर वे शिकागो धर्म सभा में बोल सके थे शुण्वंतु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृतमेति नान्य पंथा विदितायनाय। मैंने उस परम तत्व को देख, परम पुरुष को देख लिया है जो सभी दुखों से परे है, उस प्रकार क्या वो बोल सके थे। तो परंतु उन्होंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया और फिर जाकर के वो बन स्वामी विवेकानंद में वे सभी गुण थे जो एक आदर्श शिष्य के होते हैं, इसलिए उनको आदर्श गुरु मिले। आदर्श गुरु और आदर्श शिष्य का एक ज्वलंत उदाहरण आज के युग के लिए हमारे सामने आता है रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के जमाने। तो वह युवक उसने पढ़ा होगा तो आया हमारे वरिष्ठ ने कहा सर आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछो सर हैव यू सीन गॉड, आपने क्या ईश्वर को देखा है, जैसा नरेंद्रनाथ ने जैसे पूछा था ऐसे प्रश्न उसने पूछा। तो हमारे स्वामी जी ने उनको थोड़ी देर तक उनकी तरफ देखा, फिर बोला माय डियर बॉय यू आर नॉट विवेकानंद एंड आई एम नॉट रामकृष्ण, प्लीज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तुम विवेकानंद नहीं हो और मैं रामकृष्ण नहीं हूं, ये एक्टिंग छोड़ो, अभी जो दूसरा प्रश्न पूछो। ये कोई चीप है प्रश्न पूछना। यदि किसी को आप पूछेंगे आपने ईश्वर को दर्शन किया, वह एक अलग अवस्था थी जहां पर वो बर्निंग हार्ट, वो जिज्ञासा थी। नरेंद्रनाथ पागल हो गए थे उस सत्य को प्राप्त करने के लिए, हम लोग तो पूछने के खातिर पूछते हैं। वो व्याकुलता है क्या? यदि वो व्याकुलता है, सदगुरु के पास जाएंगे तब जाकर के वो प्राप्त होगा। हम तो ऐसे पूछने के लिए पूछे, इसलिए कोई ऐसा नहीं बोलेगा। और सचमुच यदि कोई बोलता है कि हाँ हाँ मैंने ईश्वर का दर्शन कर लिया, तो डेफिनेटली जानना उसको दर्शन नहीं हुआ। जिसको दर्शन हुआ है उसको पब्लिसिटी की कोई इस प्रकार की यह आवश्यकता नहीं रहती कि वो सबको बताए कि मेरा आत्म साक्षात्कार का दिन तुम लोग मनाना और समाचार पत्र में देना। उसको ये आवश्यकता नहीं है, लोकेशना नहीं रहती, सब कुछ हो गया। उसको तो उस वस्तु की प्राप्ति हो गई जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की कामना नहीं रह जाती। वह तो सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया। परंतु यदि कोई कहता है कि मुझे प्राप्त नहीं हुआ ईश्वर का दर्शन, हो सकता है उसको हुआ हो, छुपाना चाहता हो। पर यदि कोई कहे हाँ हाँ ईश्वर का दर्शन किया, आओ तुमको भी दिखा देता हूं, यह इतनी चीप बात नहीं है। तो इसलिए हम यदि आदर्श शिष्य बनेंगे, आदर्श गुरु हमको मिलेंगे, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अव्रजिन अकामहत, तो फिर शिष्य के लक्षण क्या है वो भी हम समझ लें। तो शिष्य के लक्षण क्या है, उनके भी चार लक्षण है, जैसे ये चार है ये भी चार है। क्या? सबसे पहला नित्यानित्य वस्तु विवेक, विवेक बुद्धि होनी चाहिए। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, दोनों के बीच में परखने की बुद्धि, सचमुच में क्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कौन सा चीज, कौन सी चीज रहने वाली है, कौन सी साथ में जाने वाली है। फिक्स डिपॉजिट नहीं जाएगा, स्विट्जरलैंड का फिक्स डिपॉजिट, इंडिया का फिक्स डिपॉजिट, कुछ नहीं। गहने नहीं, लेटेस्ट ड्रेस नहीं, लेटेस्ट मॉडल की कार नहीं, मकान बनाया नहीं, कुछ नहीं जाएगा। और इस देह जिस पर ब्यूटी पार्लर में जा जा करके कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो ब्यूटी मोस्ट ब्यूटीफुल बॉडी उसको जला करके राख कर देंगे, ये डेढ़ पाव राख रहेगी बस, वो भी खत्म, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। यह नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह विवेक बुद्धि यदि नहीं होगी तो शिष्य आप बनने के लायक नहीं। छोटी सी विवेक बुद्धि होनी चाहिए कि सब कुछ परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, एक ही वस्तु है परमानेंट ईश्वर, बाकी सब टेम्पररी है, ये सब टेम्पररी, जनवरी फरवरी टेम्पररी, सब टेम्पररी, सब कुछ महीना, हर एक महीना टेम्पररी टेम्पररी है, हर एक समय टेम्पररी है। हम सब यहां बैठे वो भी टेम्पररी, अभी जब भूकंप आएगा ये मकान खत्म, हम भी खत्म, मकान भी खत्म, ये सब कुछ टेम्पररी, एक ईश्वर परम सत्य परब्रह्म, यह नित्यानित्य वस्तु विवेक। दूसरा यह मूत्र फल भोग राग विराग, यह माने पृथ्वी पर जितने भोग मिल सकते हैं और अमूत्र माने स्वर्ग में जितने भोग मिल सकते हैं, इन सब के प्रति वैराग्य होना चाहिए। नहीं, मुझे मर्सिडीज बेंज गाड़ी भी चाहिए, भेंट में नहीं चाहिए, मुझे मर्सिडीज बेंज गाड़ी आएगी तो मैं उसको रिजेक्ट करूंगा। मुझे मर्सिडीज बेंज भी नहीं चाहिए, लेटेस्ट मॉडल की कार भी नहीं चाहिए, मुझे सारे विश्व का यदि रिचेस्ट पर्सन मुझे बना दिया जाए, बिल गेट्स बोले कि तारा मेरी सारी संपत्ति तुमको दे देता हूं, $35 बिलियन सब तुमको दे देता हूं, नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। इतना ही नहीं, स्वर्ग का भी मैं अधिपति नहीं बनना चाहता, इंद्र भी नहीं बनना चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहता, मैं चीफ मिनिस्टर बनना नहीं चाहता, मैं इस संसार में कुछ भी नहीं चाहता। सभी प्रत्यय, सभी जितने एंजॉयमेंट है उसके प्रति वैराग्य, मूत्र फल भोग राग विराग। तीसरा सम दमादि षट संपत्ति, छह प्रकार की संपत्ति होने, छह प्रकार की प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी नहीं वो जो आप लोगों ने जमीन रखी है, कभी भाव बढ़ेंगे तो उसमें स्टेट में लगा के रखते हैं कि जमीन भाव बढ़ेगा तो बेच देंगे, वो जमीन नहीं, वो मकान नहीं जो किराए पर रखा है कहीं कहीं पर, वो सब मकान प्रॉपर्टी कुछ नहीं, फर्नीचर नहीं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, छह प्रकार की दूसरी संपत्ति होनी चाहिए। एक सम, अपने मन को शांत करने की क्षमता, दम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने की क्षमता, उपरति अपने मन को, अपने मन जो इधर उधर बिखरा हुआ है उसको वापस अपने इष्ट तक लाने की क्षमता, तितिक्षा, तितिक्षा मतलब सहन करना, नहीं सहन करना नहीं, आदि शंकराचार्य बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं। तितिक्षा क्या है, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, सहन तो हम लोग सभी करते हैं, अरे ये गर्मी कैसी है, बरसात की दिनों में ऐसी गर्मी कहां से आ गई, अरे ये तो बड़ौदा में रहना ही मुश्किल है, मेरे को तो अब अमेरिका ही जाना पड़ेगा, बेकार में यहां पर आ गया। यह जो प्रतिकार करते करते हम लोग बकबक करते करते मुंह से इस प्रकार के बोलते बोलते हम जो गर्मी सहन करते हैं या कोई भी दुख सहन करते हैं, ये प्रतिकार पूर्वक सहन करते तो करना ही है, उसमें दूसरा चारा नहीं है। अप्रतिकार पूर्वकम, आनंद से हंसते हुए यदि हम अपनी सब तपस्या को स्वीकार कर ले, तितिक्षा
कई लोग उपवास करते हैं पर उनका मुंह देखो तो ऐसा हो जाता है कि हमको लगता है इस पर गरीब बहुत दया आती है। और क्यों उपवास करते जब ऐसा मुंह हो जाता है? जीसस क्राइस्ट ने भी कहा नेवर शो योर फेस, डोंट फास्ट इफ यू आर हैविंग सच ए, फिर वो उपवास करके क्या फायदा? आनंद में यदि नहीं रह सकते, भगवान के मन का उपवास मतलब भगवान के नजदीक वास, तो भगवान के नजदीक जिसका वास होगा तो इसलिए भगवान के नजदीक ज्यादा वास हो सके, इसलिए हम लोग कभी उस दिन खाना नहीं बनाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो मन हल्का रहेगा तो भगवान का नाम ज्यादा रहेगा। वो तो होता ही नहीं है, सारा दिन जाता है फलाहार तैयार करने में, फलाहार मतलब फल का आहार नहीं, वो फलाहार माने फरार, उसको तैयार करने में सारा दिन जाता है, भगवान का नाम एक बार भी गलती से भी नहीं लेते हैं, उपवास के नहीं। उस दिन तो भगवान का जो दो आधा घंटा लेता तो वो भी नहीं लिया और बोलते हमने उपवास किया, और फिर यदि फलाहार नहीं खाया तो मुंह ऐसा सूखा हुआ है, दया आती है। ये तितिक्षा नहीं है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, और श्रद्धा, श्रद्धा बहुत आवश्यक है, और समाधान माने मन की एकाग्रता, ये, और चौथा है मुमुक्षुत्व, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा। नहीं, ये संसार एक बहुत बड़ा जेल खाना है, आजीवन कैद मुझे मिल गई है, ये आजीवन कैद में है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहो पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये आदि शंकराचार्य बोलते बारंबार बारंबार जन्म लेते हैं ग्रह, फिर मरते रहते हैं, फिर जन्म ग्रहण करते हैं, फिर इतना दुख सहन करते हैं, फिर मरते हैं, कर्म के इस सिद्धांत, कर्म के थपेड़ों के खा करके के मरते रहते हैं, जीते रहते हैं, मानो हम लोग गुलाम हो गए, हमारा कुछ नहीं है, जंजीरों में फंसे हुए हैं, एक बहुत बड़ा यह संसार, संसार रूपी कैद में, उसमें से हमको छूटना है, मुमुक्षुत्व। ये चार गुण होंगे, ऐसे जब आप शिष्य बनेंगे तब आपको आदर्श गुरु मिलेगा, सब रिजेक्ट हो जाएगा, कोई पास नहीं होगा, हम लोगों में से कोई पास नहीं होगा। इसीलिए क्या कहा कि भाई अब यदि हमारे में शिष्य के लक्षण नहीं है तो कुछ लोग बोलते अभी शिष्य के लक्षण तभी हमारे में है नहीं, जब आएंगे तब हम दीक्षा लेंगे। तो कब आएंगे? इस जन्म में तो आने की बात रही, आपका जिस प्रकार का रूटीन है, सुबह शाम सारा दिन शेयर मार्केट के रेट में बिजी रहते हैं, हैं? पत्नी को भी देखने की फुर्सत नहीं है, बच्चों को घुमाने पर फुर्सत नहीं है, तो आपको ये सब समदम उपवृत्ति दीक्षा और ये सब आध्यात्मिक ज्ञान तो हो गया ही नहीं। वो कब आएगा? जब बोलेगा लास्ट, अब ये थर्ड हार्ट अटैक है और आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तब बोले जरा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने, बोले अब हो गया सब कुछ, हाँ आ गए यमराज, बोले अब टिकट कट गई, पासपोर्ट भी हो गया, वीसा भी हो गया, चले नो एक्सटेंशन खत्म, तब होगा। इसलिए अब क्या करें, हमारे में तो इतने गुण नहीं है तो क्या किया जाए, ऐसे गुरु हमको कहां से मिले? तो उसका उपाय यह है कि यदि कोई पीएचडी कर रहा हो उसको कौन सा गाइड चाहिए, जिसने डॉक्टरेट कर लिया हो, परंतु सेवन स्टैंडर्ड में जो है उसको तो ट्यूशन बारहवीं कक्षा पढ़ा करा सकता है, ऑर्डिनरी ग्रेजुएट भी उसको पढ़ा सकता है। उसी प्रकार से हम लोग अभी सेवन स्टैंडर्ड में है, नहीं सेवन स्टैंडर्ड में क्या है, किंडरगार्टन में है, हम लोग तो अभी केजी में पढ़ रहे हैं, तो हमको अभी पीएचडी तो हम लोग नहीं कर रहे आध्यात्म विद्या में, इतने बड़े महान गुरु नहीं बनते हैं, ऐसे गुरु हम मिल जाएं जो हमसे आधे बढ़े हुए हैं पर सच्चे रास्ते पर आगे बढ़े हुए हैं। तो हम लोग ये तो नहीं बोल सकते किसने ब्रह्मनिष्ठ किसने है, किसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, ये तो हम नहीं समझ सकते, हमारे पास समझ कैसे, जिसको ईश्वर का दर्शन हो गया वही समझ सकेगा सामने वाले को ईश्वर का दर्शन हुआ कि नहीं, परंतु इतना तो हम समझ सकते हैं अव्रजिन उसका चरित्र निष्पाप है, उसका चरित्र अच्छा है, और अकामहत उसमें लेन देन की भावना नहीं है, ऐसा नहीं बोलता पहले 5,000 रुपये रखो फिर बाद में दीक्षा होगी, ये नहीं है तब बस ठीक है। ऐसे सदगुरु का हम वर्णन कर लें, और हमारे में जो इस प्रकार के इतने सारे गुण नहीं, एक गुण है श्रद्धा, उसी से हम शुरू करें, वो करके हम लोग मंत्र का जाप करते करते हमारे शिष्य के बाकी सब गुणों को हम लोग या बाद में प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस प्रकार से भले हम लोगों को इस प्रकार के आदर्श गुरु न बने, हम आदर्श शिष्य बनने का प्रयत्न करेंगे तब जाकर के हम आदर्श गुरु बनेंगे, पर उसके लिए हम वेट न करते हुए हमारे पास जो श्रद्धा है उसी के अनुसार हमसे जो महान है आदर्श आगे बढ़े हुए हैं ऐसे गुरु को अपनाएं और आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़े, यही हमारे लिए प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच रहेगा। और इसीलिए हमारे यहां पर रामकृष्ण मठ मिशन में परंपरा है कि गुरु की पहले परीक्षा करनी चाहिए, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई मंत्र दीक्षा नहीं दे सकते, आश्चर्य वक्ता कुशलो से लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, जो गुरु है वो भी आश्चर्यजनक होने चाहिए, वंडरफुल टीचर, और जो शिष्य है वो भी वंडरफुल होने चाहिए, ट्रांसमीटर सेट पावरफुल होना चाहिए और रिसीवर सेट भी पावरफुल होना चाहिए,
ट्रांसमीटर सेट कितना भी पावरफुल रहा हो और आपने एंटेना नहीं लगाया तो टीवी में पिक्चर नहीं दिखाई देगा। तो रिसीवर सेट भी परफेक्ट होना चाहिए, ट्रांसमीटर सेट भी पावरफुल होगा, तब जाके ट्रांसमिशन होगा। तो गुरु भी यदि योग्य गुरु होंगे और योग्य शिष्य होंगे तब जाकर के ज्ञान आएगा। तो हम लोग सच्चे शिष्य बनने का यदि प्रयत्न करें तो सच्चे गुरु अपने आप हमारे जीवन में आ जाएंगे। सच्चे गुरु के लक्षणों को प्राप्त करने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। और हमारे रामकृष्ण मिशन में ऐसी परंपरा है, हम लोग कोई गुरु नहीं बन सकते, आश्चर्य वक्ता जो गुरु होने चाहिए वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ने हो चाहिए। इसलिए हमारे रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद ने डेमोक्रेटिक पैटर्न रखा है, वोटिंग के द्वारा, मतों के द्वारा जो सबसे श्रेष्ठ जो सन्यासी रहते हैं आध्यात्मिकता आगे बढ़े हुए उनको ट्रस्टी बनाते हैं। और ऐसे जो 18 या 20 ट्रस्टी रहते हैं वो ट्रस्टी में से जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो एक प्रेसिडेंट है हमारे अभी और 3 वाइस प्रेसिडेंट, यही लोग मत दीक्षा दे सकते हैं भारत में। विदेश में तो अब उतना जा नहीं सकते विदेश में, विदेश में जो जाते हैं उनको मंत्र दीक्षा देने का वो पावर दिया गया है, पर भारतवर्ष में हम लोग कोई मंत्र दीक्षा नहीं दे सकते। कौन दे सकता है? जिनके पास वह पावर आ गया। श्री रामकृष्ण कहते हैं चपरास ना होले होबे ना, चपरास माने आदेश। हंसते हुए कहते थे मजाक में, अरे कांवर पुकुर है ना, वो कांवर पुकुर जिनका जन्म हुआ था वहां हल्दार पुकुर नाम का तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। रोज सुबह जाकर के वो हल्दारपुर तालाब में जब लोग स्नान करने आते थे उसके पहले ही वह जाकर के सब लोग अपना टट्टी करके खत्म, बहुत गंदा कर डालते थे। वहां उनको स्नान करने में इच्छा नहीं होती, रोज उनको बोलते थे भाई तुम लोग यहाँ पर गंदा मत करो, पर कोई सुनता नहीं था। पर बाद में वो लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सरकार को नालिश कर दी कि भाई रोज हमको स्नान करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरे दिन चपरासी ने आकर के नोटिस चिपका दी, यहां पर गंदगी करना मनाही है, सख्त मनाही है, उस पर कार्रवाई की जाएगी बाय ऑर्डर। बस दूसरे दिन से सब बंद। तो चपरासी का चपरास होना चाहिए, वह जो आदेश होना चाहिए। यदि गुरु के पास आदेश होगा तब गुरु की बात शिष्य स्वीकार करेंगे। तो पहले आदेश हुआ है कि नहीं, तो ये इस गुरु के पास, जिसके पास आदेश है ऐसे गुरु के पास हमें शिष्यत्व स्वीकार करना चाहिए। रामकृष्ण मठ में इसीलिए परंपरा की गई, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट महाराज जी मंत्र दीक्षा दे सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर हम अपने उस प्रकार से गुरु को प्राप्त करें और बाद में गुरु के प्रति श्रद्धा को निवेदन, आज का दिन है अपने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा को निवेदन करें। फिर बाद में जब मंत्र दीक्षा मिल गई और गुरु मिल गए तो अपने जीवन में परिवर्तन आ जाता है, आमूल परिवर्तन आ जाता है। एक बहुत बड़ा हमको सपोर्ट मिल जाता है, एक बहुत बड़ा हमें एक सहारा मिल जाता है, वो हमको ये जो जमघाट है उससे हमको पार करा देते हैं। इसीलिए मीराबाई बहुत आनंद से पूर्व नाचते हुए गाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। गुरु ने मंत्र दे दिया और पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, मुझे रत्न मिल गया, मुझे बहुत बड़ा ज्वेल मिल गया, बहुत बड़ा जहरात मिल गया और मैं आनंद में हूं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। और इस प्रकार से मुझे अपना लिया, वह अमूल्य रत्न दिया है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली, और वह ऐसी पूंजी जो हमेशा बढ़ती रहती ऐसी पूंजी मैंने प्राप्त कर ली। एक मनुष्य गया एक गुरु के पास, एक व्यक्ति एक संत बैठे थे नदी के किनारे रेत पर, बोले मैंने सुना है कि आपको कहीं 2 दिन पहले पारस मणि का पत्थर मिला है। बोले हाँ हाँ मिला तो था, देखिए मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी अवस्था बहुत खराब है, पारस मणि का पत्थर यदि मुझे मिल जाए, बस लोहे को उस पारस मणि से स्पर्श कराऊंगा सब सोना बन जाएगा, तो बस मेरे जीवन के सब दुखों का दूर हो जाएगा, तो मुझे वो पारस मणि का पत्थर दे दीजिए ना। तो संत ने कहा देखो भाई मुझे मिला तो था पर मैंने अब उसको तो फेंका था उस तरफ, देखो उस तरफ कहीं फेंका था, वहां कहीं मिल जाए तो देखो, मैंने तो उसको फेंक दिया था, जाओ वहां कहीं मिल जाए तो। तो उसने वहां पर जिस दिशा में बताया था उस दिशा में गया, रेत में से ढूंढा ढूंढा थोड़ा खोदा, मिल गया पारस मणि का पत्थर। आह नाचने लग गया, पारस मणि का पत्थर मतलब जहां स्पर्श कराएंगे सोना बन जाएगा, एकदम नाचते हुए विदा हो गया, जा रहा है घर में। रास्ते में अचानक ट्यूबलाइट हुई। अरे ये पत्थर ये गुरु ने उस संत ने फेंक दिया, तो ऐसे तो कोई इतना कीमती पत्थर उन्होंने फेंक दिया, इससे ज्यादा कीमती उनके पास होना चाहिए, तभी तो फेंका होगा। वापस लौटे, देखिए आपने इसको फेंका, इससे ज्यादा कीमती आपके पास पत्थर होगा तभी तो फेंका होगा। बोले हाँ ये तो बात है, मेरे पास उससे ज्यादा कीमती जवाहरत है, उससे भी ज्यादा कीमती ज्वेल मेरे पास है, जवाहरत है, इसीलिए मैंने उसको फेंका।
हमको वही दीजिए, आपने हमको धोखा दे दिया, हमको ये दे दिया और अच्छा वाला अपने पास रखा। बोले पहले इसको दे के आ अपनी पत्नी को, तेरी पत्नी को इसकी आवश्यकता है और तेरे को इससे ज्यादा अच्छा चाहिए तो फिर बाद में आ, मैं तुझे दूंगा भगवान का नाम दूंगा। ये भगवान का जो नाम है ना, अरे ये जो पत्थर है उससे तो लोहा है वो सोना बनता है, और भगवान के नाम से कोटि का पाप कटे रे, कोटि कोटि पाप कट जाते हैं, ऐसा मंत्र तुझे दूंगा, तू खुद सोना बन जाएगा, लोहा क्या सोना बनेगा, तू स्वयं सोना बन जाएगा, कोटि कोटि तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, अमरत्व तुझे प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मंत्र तुझे दूंगा। ये जो भगवान का नाम है ना, ये जो जवाहरात है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने वो राम नाम रूपी रतन धन प्राप्त कर लिया, कृपा कर गुरु ने अपना लिया, बस अब मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ये मीराबाई जो कहती है, ये राम रतन धन हमको यदि गुरु की प्राप्ति हो गई, गुरु हमने कर लिए, गुरु ने मंत्र दिया, पर क्या हमने उसका महत्व समझा? यदि महत्व नहीं समझा तो फिर हमने वो गुरु प्राप्त करके भी कुछ प्राप्त नहीं किया, महत्व समझना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण कहानी बताते थे, एक आदमी ने कहा जा तो जरा ये बहुत अच्छा ज्वेल है, बहुत अच्छा यह जवेरात है, उसको बताना, केवल कीमत पूछ के आना, बेचना नहीं है। जहाँ गया एक आदमी सब्जी बेचने वाला था, उसको बोला कि भाई ये, उसने देखा अरे चमकने वाला है, वाह मेरे बच्चे को खेलने काम आएगा। बोले तुझे यह जो डायमंड है, तो मैं ये डायमंड देखा बड़ा चमक रहा, चल मैं तुझे 5 किलो बैगुन दूंगा। अरे बोले 5 किलो बैगुन थोड़ा सा ज्यादा बोलो, 5 किलो बैगुन किसको बोलते हैं मालूम नहीं? बस बैगुन का दाम आजकल मालूम है तेरे को कितना बढ़ गया बरसात के कारण? जा बढ़। वापस चला गया। बोले वो तो बोलता 5 किलो बैगुन से ज्यादा। बोले जब दुकान वाले पर, कपड़े की दुकान में जा, कपड़े के व्यापारी को पूछा, वो देखा बोले हाँ ये तो बहुत अच्छा चमकेला है, तो अच्छा दिख रहा है, अच्छा बोले 5 मीटर कपड़ा दूंगा। बोले थोड़ा सा ज्यादा? बोले 5 मीटर कपड़ा, कपड़े का भाव बढ़ गया, जा इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, देना हो तो दे। अच्छा ठीक है चलो। बोले जा सोने चांदी की दुकान में जा। सोना चांदी की दुकान वाला तो बोला अरे ये तो कुछ अच्छा गहना, उससे बढ़िया गहना बन जाएगा। बोले 5 किलो सोना दूंगा। बोले थोड़ा सा ज्यादा? बोलो 5 किलो सोना किसको बोलते हैं मालूम है आजकल सोने का भाव कितना बढ़ गया? और पक इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वापस आ गया। बोले जा अब डायमंड मर्चेंट के पास जा, जो जवाहरात का व्यापार करता है उसके पास जा। डायमंड मर्चेंट के पास गया, जहां उसने देखा अरे अभी मैं 5 करोड़ देता हूं, इसको यहां रख दिया। नहीं नहीं मेरे को तो केवल बताने। बोले नहीं अब वापस नहीं दूंगा 5 करोड़ नहीं। अच्छा ठीक है तो मैं तुझे 10 करोड़ देता हूं। नहीं नहीं मुझे वापस दीजिए मेरा कीमत। नहीं 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 उसको यहां रख जा मैं 15 करोड़ दूंगा। तू जितना बोलेगा देगा पर मैं तुझे वापस नहीं दूंगा। तो वो तो फिर वो डायमंड लेके भगा। बोले ये तो माले ये तो पकड़ लिया तो मुश्किल से भग के आया, आपने कहा था बेचना मत। वो तो बोले मैं को खरीदना ही है, पहले 5 करोड़ से शुरू किया 15 करोड़, बोले जितना देना पर तुझे दूंगा। क्यों? वो जानता है ये कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर डायमंड, ये मिलेगा नहीं बाद में। कोहिनूर हीरा की परख कौन कर सकता है? जो डायमंड मर्चेंट है वही कर सकता है, बाकी लोग के लिए तो पत्थर है। हमको भगवान का नाम मिला पर हमारे लिए क्या कीमत है? क्या करें, रोज मंत्र जाप करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो गई, गलती से मंत्र जाप दीक्षा ले ली। यह जो इतना बड़ा मंत्र मिल गया, इतना कीमती मंत्र, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। कितना मेरे पास यह जवाहरात मुझे मिल गया, यह मुझे कोहिनूर हीरा मिला, कितना आनंद है मुझे। यह हमें याद रखना पड़ेगा, आज का दिन है इसी प्रकार से गुरु के प्रति श्रद्धा निवेदन करने का दिन। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुओं के जो परम गुरु जो ईश्वर हैं, उस ईश्वर के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हमको अपने हमें सदगुरु की प्राप्ति हो और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा का उदय हो और अपने गुरु ने हमें जो उपदेश दिया है उसको धारण करके उसका पालन करके हम अपना मानव जीवन सार्थक कर सकें। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ हम आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।